लास्ट हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो फंक्शन से मुताल्लिक हम बात कर रहे थे। अच्छा, फंक्शन में हमारी अभी तक दो क्लासेस हो चुकी हैं फंक्शन की। पहले आज हम कोशिश करेंगे फंक्शन की जो बहुत थोड़ी सी चीज़ रह गई है उसको हम कंप्लीट करके फंक्शन के टॉपिक को हम ख़त्म कर लें आज। अच्छा जी, तो जो हमारी पहली क्लास हुई थी फंक्शन वाली, उसके अंदर हमने फंक्शन को बनाना सीखा था, कंस्ट्रक्ट करना कि जी फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है और उसके अंदर पैरामीटर्स होते हैं और उसकी रिटर्न वैल्यू होती है। तो ये हमने डिस्कस किया था। फिर जो सेकंड हमारी क्लास हुई है यानी कल की जो क्लास हुई है उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि वो फंक्शन जब चलता है तो वो किस तरह से चल रहा होता है और उसकी प्रोसेसिंग कैसे हो रही होती है। जब वो हमने ये डिस्कस किया था कि जब एक फंक्शन को हम चलाते हैं तो वो फंक्शन इटसेल्फ खुद नहीं चलता बल्कि उस फंक्शन का एक इंस्टेंस बनता है और उस फंक्शन के इंस्टेंस को एग्जीक्यूट किया जाता है और फिर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। अगर मैं बैक वक्त किसी फंक्शन को 4 या 5 दफ़ा चला दूँ तो वो फंक्शन खुद क्योंकि नहीं चलता, तो वो उसके 5 अलग अलग इंस्टेंस बनते हैं और वो 5 अलग अलग एग्जीक्यूट होते हैं और जो जिस जिसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। अच्छा जी, और जब हम फंक्शन बनाते हैं तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि वो इटसेल्फ मेमोरी में कोई जगह नहीं लेता फंक्शन, लेकिन जब वो एग्जीक्यूट होता है तो उसका इंस्टेंस जो बनता है तो उसमें फिर वो वेरिएबल सारे डिक्लेयर होते हैं जो फंक्शन की बॉडी में होते हैं। जब तक वो फंक्शन चलता नहीं है, वेरिएबल जो बॉडी में बने होते हैं फंक्शन के उनमें से कोई भी मेमोरी में जगह नहीं ले रहा होता। अच्छा, तो फिर हमने वो फंक्शन का एक रिकर्सिव भी चला के देखा था जी कि फंक्शन के अंदर फंक्शन को भी हम कॉल कर सकते हैं और उससे लूप के जैसा एक हमारे पास एक कंस्ट्रक्शन हो जाती है कि जी लूप की तरह वो काम कर रहा होता है। अच्छा, रिकर्जन के टॉपिक को अगर मज़ीद कोई स्टडी करना चाहे तो अलग से इंटरनेट पे स्टडी कर सकता है। यहाँ पे उसके इन डेप्थ जाने की मेरा ख्याल है कि ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो फिर सर के ऊपर से जाएगी बातें। तो मेरी कोशिश ये है कि जो बेसिक्स हैं उसको कवर करके जल्दी से हम कोई टास्क की तरफ मूव करें कि जी फॉर लूप से आपको कोई टास्क वगैरह दिया जाए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, क्योंकि कोडिंग वो चीज़ है। ये मैं तो थ्योरी थ्योरी बता रहा हूँ ना, सारी मैं बातें हो रही हैं सारी, ये तो इससे कुछ आता वाता नहीं है, आएगा तो प्रैक्टिकल काम करने से। तो आप कोशिश, बल्कि आप लोग ये क्या करें कि मेरे टास्क देने का वेट भी ना करें। आप बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहाँ पे आप जाएंगे, अच्छा जी फॉर लूप का टॉपिक आपने पढ़ा है तो आप सर्च करेंगे कि जी फॉर लूप से मुताल्लिक मुझे एक्सरसाइजेस बना कर दो और उसको आप खुद से सॉल्व करें। अब तो चैट जीपीटी बड़ा अच्छा काम हो गया, आप चैट जीपीटी से जाके बोलें कि मुझे 10 एक्सरसाइज दो फॉर लूप की जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने करनी है, तो वो आपको बना के दे देगा 10 एक्सरसाइज। उसको आप करें, जब एक्सरसाइज आप कर लें वो कोड उठा के उसको वापस दें। आप कहें कि यार क्वेश्चन ये था, मैंने ये कोड लिखा है, ये मैंने सही लिखा है क्या? उसको आप खुद तो चला के देखिए, उससे भी चेक करा सकते हैं। ठीक है, वो आपको बताएगा कि जी यहाँ पे आपने बेस्ट प्रैक्टिस छोड़ दी है, यहाँ पे आपने ये गलती कर दी है, तो वो सारी चीज़ें आपको बताएगा। तो चैट जीपीटी को यूज़ करें थोड़ा सा अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए। तो अभी तक जो हमने बातें डिस्कस की है ना, हमने अभी तक ये बात डिस्कस नहीं की है कि ES6 में फंक्शन के अंदर क्या चेंजेस आई हैं, ये हमने बात अभी तक डिस्कस नहीं की है। हम फंक्शन के बेसिक्स पढ़ रहे थे अभी तक, जो बेसिकली फंक्शन काम कैसे करता है जावास्क्रिप्ट में। अच्छा, अभी तक जो हमने फंक्शन पढ़ा है वो सारा ES5 के अंदर यहाँ तक का काम हो चुका था। अच्छा, ES6 में फंक्शन में क्या चेंजेस आई हैं वो हम आज डिस्कस करते हैं। उसके लिए मैं एक जो है ना नया फोल्डर बना लेता हूँ, इसका मैं नाम रख देता हूँ 25.arrow_function। ठीक है, और इसके अंदर आके मैं क्या करता हूँ, ये तमाम का तमाम कोड उड़ा देता हूँ, एक नया कोड यहाँ पे लिख देता हूँ और मैंने कहा कि H1G और मैंने कहा ES6 arrow function। अच्छा, ES6 के अंदर ना फंक्शन में बहुत थोड़ा सा चेंज आया है। अच्छा, जो चेंज आया है वो उसके सिंटैक्स में आया है। ठीक है, इस तरह की जो चेंज को हम कहते हैं सिंटैटिक शुगर, इसको हम क्या कहते हैं, सिंटैटिक शुगर, यानी सिंटैक्स का के अंदर चीनी डाल के उसको थोड़ा मीठा कर दिया। सिंटैटिक शुगर ये होता है कि जी अंडर द हुड ना फंक्शनैलिटी सेम रहती है लेकिन सिंटैक्स को क्या कर दिया जाता है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाता है ताकि कोड लिखने वाले को लिखने में अच्छा लगे और कोड को पढ़ने वाले को पढ़ने में उसको अच्छा लगे, रीडेबिलिटी वगैरह से उसका ताल्लुक है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जी बिल्कुल सिर्फ सिंटैटिक शुगर है तो ये भी गलत होगा, क्योंकि सिंटैक्स के साथ साथ थोड़े सिमेंटिक चेंजेस भी आए हैं उसमें। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सिंटैटिक चेंजेस की कि ES6 में जो फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो नया वाला सिंटैक्स है वो क्या है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, वही वाला जो हम लास्ट बना रहे थे कि जी वो दो वैल्यूज़ को प्लस करेगा। तो मैंने कहा कि जी ए और कॉमा बी, इसके दो पैरामीटर्स हैं, इसका मैं फंक्शन का नाम रख देता हूँ सम। सही है, सम इसका मैंने नाम रख दिया और इसकी जो रिटर्न वैल्यू है वो क्या है, ए प्लस बी है।
सही है। तो मैंने ये एक फंक्शन बना दिया जो कि क्या करता है, दो पैरामीटर लेता है, दोनों को सम करके रिटर्न कर देता है। ये हमने लास्ट क्लास में भी बनाया हुआ था फंक्शन, हमने फंक्शन जब कंस्ट्रक्ट करना सीखा था तो इसी एग्जांपल से सीखा था। तो जी इस एग्जांपल को अगर मैं ES6 वाले में कन्वर्ट करूँ तो वो मैं कैसे करूँगा, इसमें से सिंपली ये फंक्शन का जो कीवर्ड है ना, अच्छा एक यहाँ पर लेकिन ES6 पे मूव करने से पहले एक बात और, ये तो ES5 का एक सिंपल सा फंक्शन हो गया जो अभी तक हम देखते हुए हैं। ES5 में ना फंक्शन को लिखने का एक तरीका और होता है जो थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ है। इसमें क्या है भाई, इसमें ये है कि जी फंक्शन का कीवर्ड है, उसके बाद फंक्शन का नाम है, उसके बाद ये, अच्छा एक होता है एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन के अंदर ना फंक्शन का नाम नहीं होता, फंक्शन का कीवर्ड होता है जस्ट, और ये होता है ए कॉमा बी और रिटर्न का कीवर्ड ए प्लस बी। अब ये, अब चक्कर ये है कि भाई ये तो फंक्शन है ना, इसको मैं कॉल करूंगा इसके नाम से। अब ये जो फंक्शन बनाया है ये भी ES5 का फंक्शन, अब लेकिन इसका कोई नाम नहीं है और ये छोटा सा एरर भी यहाँ दे रहा है कि जी ये तो आपने क्या लिख दिया, ये उसको समझ ही नहीं आ रहा। तो इस तरह के फंक्शन का एक नाम होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इसकी टाइप कह लें इसको कि एनोनिमस फंक्शन इसको कहते हैं। पता नहीं एनोनिमस की क्या स्पेलिंग होती है, बहरहाल एनोनिमस की स्पेलिंग मुझे नहीं आती। एनोनिमस फंक्शन, एनोनिमस अंग्रेज़ी में कहते हैं किस चीज़ को कहते हैं, कौन बताएगा? एनोनिमस गुमनाम को कहते हैं, कि जिसका जो है ना कोई नाम नहीं होता, या कोई ऐसी सीक्रेट किस्म की चीज़ों को भी कहते हैं, लेकिन अभी इसका नाम ना होने की वजह से इसका नाम है एनोनिमस फंक्शन। अच्छा इस तरह का फंक्शन जब हम बनाते हैं तो हमारे लिए ये बात ज़रूरी होती है, जैसे इस फंक्शन को भी हम वेरिएबल में सेव कर सकते हैं ना, हमने ये बात डिस्कस की थी कि जी मैंने कहा लेट फंक्शन इक्वल्स टू और ये कर दिया, तो मैं सम करके कॉल करूँगा तो भी ये कॉल हो जाएगा, और ऐसे इस नाम से कॉल करूँगा तो भी, क्योंकि वेरिएबल में रखवा सकता हूँ मैं। तो हमने ये डिस्कस किया था कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शन जो है वो फर्स्ट क्लास सिटीज़न है, तो फर्स्ट क्लास सिटीज़न का मतलब ये होता है कि उस चीज़ को, जो भी चीज़ जिसको हम फर्स्ट क्लास सिटीज़न कह रहे हैं, उसको वेरिएबल में स्टोर करवाया जा सकता है, ठीक है, और किसी फंक्शन में एज अ वैल्यू पास किया जा सकता है, किसी फंक्शन से एज अ रिटर्न वैल्यू रिटर्न किया जा सकता है। तो क्योंकि फंक्शन फर्स्ट क्लास सिटीज़न है तो इसको वेरिएबल में स्टोर करवाया जा सकता है। अच्छा लेकिन इस केस में जो है ना, जब हम बनाते हैं एनोनिमस फंक्शन, तो हमारे लिए क्या हो जाता है, ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है कि हम इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करें, ठीक है, अदरवाइज अगर हम इसको किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करते ना तो ये एरर देता रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैंने कहा लेट एक्स वाई जेड, मैंने एक वेरिएबल बना दिया, उसमें इसको स्टोर कर दिया, ठीक है, तो अब इसको मैं एक्स वाई जेड करके कॉल करूँगा तो ये कॉल हो जाएगा। अच्छा फंक्शन जब हम बनाते हैं तो उसके साथ ना दो चीज़ें हो रही होती हैं बेसिकली जो बाद में हम करते हैं, एक तो ये कि उसको नाम से हम कॉल करते हैं, सम टाइम ये होता है फंक्शन बना के ना हम किसी जगह पास कर देते हैं। अब उसकी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ये इंशाल्लाह जब हम प्रोमिसज़ का टॉपिक पढ़ेंगे, जब API कॉल्स वगैरह करेंगे तो ये डिटेल में बात जिक्र हो जाएगी कि जी। तो मैं बताने का पॉइंट ये है कि ये वाला जो फंक्शन है ना, ये आम तौर पर इसको हम वेरिएबल में सेव नहीं कराते, ये इसी तरह रहता है, ठीक है, लेकिन वो क्यों रहता है इस तरह और वो कैसे रहता है वो हम प्रोमिसज वाले टाइम पर डिस्कस करेंगे, जब हम एक्सियोस की लाइब्रेरी से API कॉल करेंगे इंशाल्लाह। वेदर ऐप हमने बना ली है, अच्छा तो वेल दोबारा उसको हम देख लेंगे वापस जाके, या नेक्स्ट टाइम जब भी हम API कॉल करेंगे तो ये बात मुझे याद दिलाना, तो ये वाली हम बात डिस्कस करेंगे कि एनोनिमस। तो जावास्क्रिप्ट में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाली टाइप है ना फंक्शन की, वो ये है, एनोनिमस फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं वो फंक्शन को बना के हम पास कर देते हैं। मिसाल के तौर पर, क्योंकि आप अभी मुझे याद आया कि हम वेदर ऐप तो बना चुके हैं, तो वेदर ऐप में आप अगर कोड पर गौर करेंगे तो उसमें एक्सियोस से जब हम API कॉल करते हैं तो हम उस पर डॉट देन लगाते हैं, डॉट देन के अंदर मैंने फंक्शन पास किया हुआ है, ठीक है, वो एरो फंक्शन है, क्योंकि मेरी आदत है एरो फंक्शन लिखने की, तो इसलिए मैंने एरो फंक्शन लिखा है, वो भी हम पढ़ लेंगे एरो फंक्शन के, तो वो फंक्शन पास किया हुआ, उसका कोई नाम वाम नहीं है। अच्छा वो क्या हम करते हैं फंक्शन पास, कि इस API को कॉल करो, इंटरनेट पर रिक्वेस्ट जाती है, जाहिर है उसको वापस आने में लगता है टाइम, जब वापस आ जाए देन ये वाला कोड रन करो, तो वो फंक्शन एक्चुअली हम बना के दे देते हैं कि इस फंक्शन को चला देना देन पे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो जावास्क्रिप्ट में इस्तेमाल होने वाला फंक्शन है वो एनोनिमस फंक्शन होता है, नेम्ड फंक्शन निस्बतन हमारे पास कम उसका इस्तेमाल होता है। वेल, तो अब ये हमने एनोनिमस फंक्शन एक बना लिया, मैंने कहा कि जी लेट एक्स वाई जेड इक्वल्स टू दिस, तो ये ES5 का एक प्लेन फंक्शन, और ES5 का प्लेन फंक्शन विदाउट अ नेम, तो वो एनोनिमस, वेरिएबल में फ़िलहाल मैंने सेव करवा दिया ताकि वो एरर ना दे, ठीक है, फिलहाल हम कहीं पास नहीं कर रहे ना उसको। अच्छा जी अब हम आ जाते हैं ES6 का जो सिंटैक्स है नया,
इस वाले फंक्शन को मैंने कन्वर्ट करना है किसमें, अब ES6 में। तो मैं क्या करूँगा, मैंने कहा लेट एक्स वाई जी, आगे वन लगा देता हूँ ताकि नाम चेंज हो जाए। उसके बाद फंक्शन का कीवर्ड नहीं होगा, डायरेक्ट गोल ब्रैकेट, ठीक है। गोल ब्रैकेट के अंदर a, b जो मेरा वेरिएबल, वो जो मेरा पैरामीटर था वो आ गया, उसके बाद एरो, उसके बाद फंक्शन की बॉडी, ठीक है। तो ये एक एनोनिमस फंक्शन ही है काइंड ऑफ, आप इसको गौर से देखें, ये हो गया एरो हो गया और ये बॉडी हो गई, और इसकी रिटर्न जो वैल्यू है वो मैं लगा देता हूँ अंदर, रिटर्न a+b। तो ये जो सेम एनोनिमस फंक्शन था ना, ये एनोनिमस फंक्शन हो गया किसमें, ES6 के सिंटैक्स में। अच्छा, इस तरह से जब हम फंक्शन को लिखते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, एरो फंक्शन। अच्छा, एरो फंक्शन के अलावा जो है इसके और भी कुछ नाम है, सही है। एरो फंक्शन के अलावा जो इसका एक नाम है वो, इसको हम लैम्डा फंक्शन भी कहते हैं। अच्छा, लैम्डा फंक्शन को कंफ्यूज नहीं करना आपने, क्योंकि लैम्डा फंक्शन कुछ और भी चीज़ों को कहते हैं, है ना। लैम्डा फंक्शन एक AWS की एक सर्विस भी है, उसका भी नाम लैम्डा फंक्शन है, ठीक है, बट वो सर्विस का नाम है। इस वाले लैम्डा फंक्शन बाय द वे किस चीज़ को कहते हैं, जिन लोगों ने मैथ्स पढ़ी है कोई बता सकता है क्या मुझे? वेव लेंथ तो कोई चीज़ है ना, नहीं मैथ्स में जो लैम्डा फंक्शन है, किसी को पता है यहाँ पे किस चीज़ को कहते हैं? फिजिक्स में होता है लैम्डा फंक्शन, फिजिक्स में क्या होता है लैम्डा फंक्शन? हाँ, अच्छा, वेव लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। हाँ भाई, और अच्छा, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, बाय द वे मुझे मैथ वैथ आती नहीं है कोई, और ना मुझे मैथ में कोई ख़ास इंटरेस्ट है, लेकिन मेरी जो अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक मैथ में लैम्डा फंक्शन उस फंक्शन को कहते हैं जिसका हमें इनपुट पता होता है और आउटपुट पता होता है, अंदर उसके क्या हो रहा है ये हमें पता नहीं होता, सही है। तो मैथ में फंक्शन तो बाय द वे पता है ना, एफ एन, वो एफ ऐसे करके जो लिखा होता है, क्या कहते हैं वो मैथ में जो एफ ऐसे लिखा होता है, फंक्शन कहते हैं ना उसको, एफ होता है और ऐसे ब्रैकेट के अंदर छोटा सा एन होता है, लिमिट्स होती है, लिमिट्स वाला मैथ होता है। तो वो फंक्शन एक्चुअली यही फंक्शन होता है सही है। अब वो किसी ने अगर वो वाली मैथ पढ़ी है तो उसको दोबारा से आप पढ़ेंगे ना, तो इस फंक्शन को जहन में रख के आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि वो फंक्शन तो यही फंक्शन है, कि जी उसमें एक इनपुट होता है और वो अंदर कुछ प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट होता है, फिर बाद में उसको वो लैम्डा बना देते हैं कि अच्छा जी ये फंक्शन है, कुछ है ये फंक्शन, इसमें हम ये इनपुट देते हैं तो ये आउटपुट है, दरमियान में क्या हो रहा है हमें पता नहीं होता, ठीक है। तो मैथ में लैम्डा फंक्शन उस चीज़ को कहते हैं। तो इन्होंने उससे इंस्पिरेशन लेके बिला वजह, मतलब कोई रीज़न नहीं है, होगा मे बी कोई रीज़न, लेकिन लैम्डा फंक्शन मेरे हिसाब से बिला वजह उससे इंस्पायर होके ना इन्होंने अपना नाम लैम्डा फंक्शन रख लिया, ठीक है। एरो फंक्शन इसका नाम इस वजह से है क्योंकि इसमें एक एरो है, इसको, इस चीज़ को हम कहते हैं फैट एरो, ये जो ये वाली जो चीज़ है ना इसको हम कहते हैं फैट एरो, सही है। तो ये सिर्फ एरो फंक्शन भी लिखा हुआ है, सम टाइम फैट एरो फंक्शन भी लिखा हुआ है, तो इसका एक ही मतलब है, अलग अलग मतलब नहीं है इसका, ठीक है जी। तो अब ये जो फंक्शन है इसमें भी जाहिर है कि एनोनिमस फंक्शन ही है, इसका कोई नाम नहीं है, तो इसको भी कॉल करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसको किसी वेरिएबल में डालना होगा। तो मैंने कहा कि जी एक्स वाई जेड 2, सही है, एक्स वाई जेड 1 था ये एक्स वाई जेड 2 कर दिया मैंने, नाम जस्ट चेंज करने के लिए मैंने डिफरेंट नाम रख दिया। अच्छा जी, अब इसके अंदर क्या चक्कर है कि अगर मेरे पास जो है ना, अच्छा ये मैं एक ही फंक्शन को लिखने के, ये एक तरीका बताया मैंने, ये दूसरा तरीका बताया, ये तीसरा तरीका बताया है, अब एक चौथा तरीका बता रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारे पास एरो फंक्शन में ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर ना मेरा कोड सिंपलर है तो मैं इसको शॉर्ट कर सकता हूँ मज़ीद इसके सिंटैक्स को, क्योंकि सिंटैटिक शुगर है, इनका मेन मकसद यही था कि इसके सिंटैक्स को बेहतर बनाया जाए। तो मिसाल के तौर पे मेरा रिटर्न जो वैल्यू है, मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ, इसकी जो रिटर्न वैल्यू है वो एक ही लाइन की है। तो इन्होंने कहा कि जी अगर ना आपकी ये रिटर्न वैल्यू एक लाइन की है ना, तो आपको ना ये बॉडी पूरी बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, और ना ही रिटर्न का कीवर्ड लिखने की ज़रूरत है, आप डायरेक्ट यहाँ लिखोगे a+b। अच्छा, ये वाली जो बात मैं बता रहा हूँ ना, ये आप हमेशा नहीं करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि मतलब आपने बोला नहीं यार
नहीं समझ में आ रहा ये वाला सिंटैक्स, अगर जस्ट इन केस पहले ही बता रहा हूँ, तो आप ऐसे लिखें सिंपलर, नॉट अ बिग डील। अगर मिसाल के तौर पे एक लाइन का ही कोड है, मैंने बॉडी बना दी, रिटर्न का कीवर्ड लिख दिया, तो भी ये काम सही करेगा, बिल्कुल परफेक्ट करेगा। तो ये दिस थिंग इज़ ऑप्शनल, ठीक है, बट वंस यू नो दिस तरीका, ये वाला तरीका जब आपको पता चल जाएगा ना, तो आपको ये ज़्यादा फिर कन्वीनियंट लगेगा, क्योंकि मुझे लगता है तो ये थोड़ा ना ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है फिर। अच्छा, तो यहाँ पे क्या किया मैंने, अगर मेरा रिटर्न की जो वैल्यू थी ना, वो अगर एक ही लाइन का था मेरा, डायरेक्ट मैंने वैल्यू रिटर्न करनी है अगर, तो यहाँ पे रिटर्न का कीवर्ड लिखे बगैर एरो के आगे ना वो बात मैंने लिख दी, तो ये इसको, यानी यहाँ पे जो भी बात लिखी हुई है उसको ये रिटर्न वैल्यू कंसिडर करेगा। अच्छा, ए में जो भी मिला है और बी में जो भी मिला उसको प्लस करके जो वैल्यू बनेगी वो रिटर्न वैल्यू है। अच्छा, अब अगली बात क्या हुई, अच्छा ये मैंने सम वाला फंक्शन बहुत बना लिया, अब इसको कुछ थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं, इसको हम बना देते हैं कि जी क्यूब रिटर्न करेगा ये, ठीक है, क्यूब रिटर्न करेगा, गेट क्यूब लगा देता हूँ इसका नाम मैं। तो गेट क्यूब का एक फंक्शन मैंने बना दिया यहाँ पे, गेट क्यूब के फंक्शन के लिए मुझे क्या करना होगा, एक वैल्यू मिलेगी मुझे, नंबर मिलेगा एक मुझे, और मैंने क्या करना है, नम मल्टीप्लाई बाय नम मल्टीप्लाई बाय नम, ऐसे होगा ना क्यूब, सही है बिल्कुल। अच्छा, इन्होंने बोला कि यार आपका अगर पैरामीटर जो है ना वो अगर सिर्फ एक है, तो आपको ना ये ब्रैकेट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, सही है, ये आपका फंक्शन बिल्कुल सही चलेगा। तो ये फंक्शन जो लिखा हुआ है, इसका सिंटैक्स काफ़ी शॉर्ट लग रहा है, ये एक एरो फंक्शन है, और ये बिल्कुल इसकी एग्जीक्यूशन उसी तरह से होगी जो हमने लास्ट डिस्कस किया था, कि जी ये पैरामीटर होगा एक और ये फंक्शन चलेगा और ये रिटर्न इसकी वैल्यू होगी। रिटर्न वैल्यू आप सब लोगों को पता है, पैरामीटर आप सब लोगों को पता है, पैरामीटर जो है वो एज अ लोकल वेरिएबल बिहेव करेगा, तो जब इस फंक्शन को चलाया जाएगा इसका एक इंस्टेंस बनेगा, वो चलेगा लोकल वेरिएबल, क्योंकि पैरामीटर एज अ लोकल वेरिएबल है तो वो मेमोरी में जगह भी लेगा एक नंबर वेरिएबल जितनी। तो जी ये हमारे पास तरीके आ गए, तो एरो फंक्शन से सब लोग कंफर्टेबल हो गए। अच्छा, ये जो चक्कर था ना विंडो डॉट करके जो मैंने ग्लोबल बनाया था, वो मैं ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या चक्कर है। देखो, ये जितने भी सारे फंक्शन है ना, ये वाले, ये सारे फंक्शन ग्लोबल हैं इस वक्त, ठीक है, अनटिल कि मैं यहाँ पे लगा दूँ टाइप मॉड्यूल, सही है। टाइप मॉड्यूल लगाते ही, इस स्क्रिप्ट के टैग में जो कुछ भी मौजूद है वो इस स्क्रिप्ट के टैग से बाहर नहीं मिलेगा, क्योंकि टाइप मॉड्यूल का मतलब होता है, देखो असल में चक्कर पता है क्या है, वैसे तो ES6 बोलते हैं, ES6 ऐसा लगता है ना, ES5 थी उसके बाद डायरेक्ट ES6 था, लेकिन असल में ऐसा है नहीं, ये असल में ना ये चीज़ें वक्तन फवक्तन आई हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो एरो फंक्शन जो आया पहले, सही है, एरो फंक्शन पहले आया, ये मॉड्यूल वाला जो मंजर है ना, ये आया बाद में। तो अगर मैं मिसाल के तौर पर ये मॉड्यूल ना लिखूं अपने पास, ठीक है, मॉड्यूल की फंक्शनैलिटी अपनी है, जो हमने देख लिया कि जी मॉड्यूल लगाते ही क्या होता है कि वो एक प्रोटोकॉल है, वो एक्टिवेट हो जाता है, और उस प्रोटोकॉल में बहुत सारी चीज़ें, वन ऑफ दोज के प्राइवेट हो जाते हैं सारे वेरिएबल उसके बाहर, यानी दूसरा अगर स्क्रिप्ट का टैग होगा तो वहाँ पर नहीं मिलते, तो एक ये वाला सीन है। तो अगर मैं ये मॉड्यूल ना लिखूं ना इसके अंदर, मैं जस्ट अगर एरो फंक्शन लिख रहा हूँ अपने पास, तो एरो फंक्शन ES6 का ही पार्ट है, ES6 में ही आया था, लेकिन ये टाइप मॉड्यूल ना बाद में आया है, तो जस्ट एरो फंक्शन लगाऊंगा मैं तो ये ग्लोबल रहेगा, इससे वो वाला इशू नहीं होगा कि जी स्क्रिप्ट, अगर मिसाल के तौर पर मैं नीचे एक और स्क्रिप्ट का टैग होता तो ये फंक्शन मुझे उसमें मिलेगा, ठीक है, बट जैसे ही मैं यहाँ पर टाइप मॉड्यूल लगाऊंगा ना, तो फिर वो मिलना बंद हो जाएगा, और टाइप मॉड्यूल लगाने के बाद फिर मुझे इसको ग्लोबल करने के लिए क्या करना होगा कि जी मैं बोलूँगा यहाँ पे कि विंडो डॉट गेट ट्यूब, विंडो डॉट गेट क्यूब, ठीक है। अच्छा, टाइप मॉड्यूल अगर मैंने नहीं लगाया हुआ है तो इस विंडो का मतलब थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, और ये विंडो डॉट करने से शायद आपको वो एरर भी दे दे, ठीक है, मे बी, आई एम नॉट श्योर, मैंने ट्राई नहीं किया कि जब टाइप मॉड्यूल नहीं लगा हुआ होता तो ये हो सकता है एरर दे दे आपको। विंडो डॉट करके ये जो बात लिखी हुई है ना, ये वेरिएबल बन रहा है, ये ग्लोबल वेरिएबल बन रहा है, ठीक है। अच्छा, जितने भी ग्लोबल फंक्शन है बाय द वे, जैसे अलर्ट, एक हमने शुरू में एक फंक्शन पढ़ा था,
अलर्ट जो है वो एक फंक्शन है ना, मतलब अब तो हमें पता है कि जी एक नाम लिखा हुआ है उसका कॉल सिग्नेचर है तो ये फंक्शन है, और यहाँ पे जो भी बात मैं लिख देता हूँ ABC तो वो स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है, तो ये जो बात लिख रहा हूँ मैं दिस इज़ अ पैरामीटर है ना, ये पैरामीटर है। तो इसका असल जो लिखना है ना तरीके का वो विंडो डॉट अलर्ट है वो, सही है। ये बुक में आपके है पहला चैप्टर आप खोलेंगे ना तो वो कहता है कि इसको सही तरीका लिखने का विंडो डॉट अलर्ट है। तो जितने भी ये ग्लोबल फंक्शन है ना, मतलब ये अलर्ट बनाया हुआ बना हुआ कहाँ है, बना हुआ तो नहीं है वो, तो जावास्क्रिप्ट में पहले से बना हुआ है और हर जगह मिलता है, तो इसका मतलब है ग्लोबल है, किसी फंक्शन के अंदर, किसी फंक्शन के बाहर, रूट पे, फंक्शन के अंदर, फंक्शन के अंदर, फॉर लूप के अंदर, इफ एल्स के अंदर, ये हर जगह मिलता है ना अलर्ट, तो इसी का मतलब तो होता है ग्लोबल फंक्शन। तो ग्लोबल फंक्शन जो है असल में वो क्या होता है, वो विंडो डॉट करके उसको कॉल करना होता है, बट विंडो आप ना भी लगाएं तो वो चल जाता है फिर भी, मतलब जैसे गूगल क्रोम वगैरह जदीद ब्राउज़र हैं इनको इशू नहीं है, ये समझ जाते हैं उसको कि अच्छा जी ये वो वाला फंक्शन चल रहा है। तो ये विंडो डॉट गेट क्यूब इज़ द सेम थिंग। तो अभी ज़ाहिर है गेट क्यूब अगर मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो उसका कुछ और मतलब, वो प्राइवेट बन जाता है मॉड्यूल वाले टाइप में। वेल, तो ये एक थोड़ी सी डिस्कशन थी वो हो गई यहाँ पे। अच्छा, अब हम ना ये तो सिंटैटिक हमने डिफरेंस पता लगा लिया कि जी जो ES5 का फंक्शन था और उसमें ES6 में सिंटैक्स में क्या चेंजेस किए गए वो हमने देख लिया। अब इसके सिमेंटिक चेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं, तो कि बिहेवियर इसका क्या आया कि कुछ मुख्तलिफ है या वही है बिहेवियर। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है ना वो समझ लेते हैं हम कि क्या है। होस्टिंग हमने डिस्कस की थी वेरिएबल के टाइम पे, जब वेरिएबल पढ़ रहे थे हम, तो होस्टिंग उसकी स्पेलिंग है, ये स्पेलिंग है उसकी होस्टिंग। अच्छा, होस्टिंग क्या होता है, जब हम वार करके कोई वेरिएबल बनाते हैं ना, लेट में होस्टिंग नहीं होती, सही है। वार करके जब कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वो क्या होता है, जब पूरा प्रोग्राम मेरा रन होता है ना तो वो वार वाले वेरिएबल को पहले चलाता है उस पार्ट को, ठीक है। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि वेरिएबल बाद में बना हुआ होता है और कंसोल में उसको पहले करवा लूँ तब भी वो कंसोल हो जाता है और वो एरर नहीं देता मुझे। इसी तरीके से फंक्शन, जो फंक्शन के कीवर्ड से जो फंक्शन बना हुआ है, यानी नेम्ड फंक्शन की बात हो रही है, उसमें होस्टिंग परफॉर्म होती है और हाँ पहले चल जाता है, मतलब ये फंक्शन बना हुआ बाद में होगा और मैं इसको देखो कॉल यहाँ पहले कर देता हूँ अगर, तो भी चल जाएगा, मुझे एरर नहीं देगा ये कोई, हालांकि ये बना हुआ बाद में और कॉल मैं इसको पहले कर रहा हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं पहली लाइन में मैं अपने कोड के इस फंक्शन को कॉल कर दूँ और ये 2000 लाइन के बाद ये फंक्शन बना हुआ होनी चाहिए, तो ये फिर भी मुझे एरर नहीं देगा, पहली लाइन में ये चल जाएगा। हालांकि जो नॉर्मली आप मतलब नॉर्मली समझने में ये है कि जी वो जब तक वहाँ कोड पहुँचेगा नहीं तो वो फंक्शन रजिस्टर ही नहीं होगा, तो वो मिल कैसे रहा, ठीक है। तो ये एक फेनोमेना है, इसको हम कहते हैं होस्टिंग। तो ये अच्छा होस्टिंग जो है वो इससे तंग थे सारे डेवलपर, इसको ख़त्म कर दिया गया, ये बहुत अच्छी बात हो गई है। अच्छा, ये होस्टिंग का ये असल में सी लैंग्वेज से सारा इन्होंने जो है ना इंस्पिरेशन ली है। सी लैंग्वेज में एक चीज़ होती थी उसको हम कहते हैं प्रोटोटाइपिंग, कि वो फंक्शन तो बना हुआ तो बाद में, लेकिन टॉप पे उसकी हम एक डिक्लेरेशन लगा देते हैं कि ये फंक्शन कहीं आगे है, तो उससे फिर ये होता है कि बना हुआ बाद में होता है, मिल पहले जाता है वो, तो वो उस उन चीज़ों की इंस्पिरेशन को लेके ना इसने किया है। बट वो उसमें बड़ा टाइट कंट्रोल होता है सी लैंग्वेज में, इसमें इन्होंने वो चीज़ कर दिया बिल्ट इन कि जी आप करो नहीं करो वो खुद ही हो जाता है। सी लैंग्वेज में हम कुछ फंक्शन के ऊपर प्रोटोटाइपिंग नहीं करते हैं जानबूझ के, क्योंकि हमें वो नहीं चाहिए होता हर जगह, तो वो नहीं मिलता, फिर जिनकी कर देते हैं वो मिल जाता है। तो इसमें तो ये क्या होता है इन्होंने बिल्ट इन कि जी सबके साथ होगा ये होस्टिंग, तो इसलिए बहुत सारे लोग तंग थे इससे थोड़े, ख़ास तौर पर वो डेवलपर्स जो दूसरी जो स्ट्रिक्ट टाइप लैंग्वेजेस के बैकग्राउंड से आए थे ना, सी शार्प के थे या क्या कहते हैं जावा वगैरह के थे, या इटसेल्फ सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस वाले जो लोग थे वो भी इससे तंग थे। अभी जो जदीद लैंग्वेजेस हैं, स्विफ्ट हैं, कॉटलिन हैं, उनसे भी जो आएगा बैकग्राउंड में उसको होस्टिंग उसके लिए एक ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट होगा, है ना। एक तो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स है ना वो तो सेम होने चाहिए, तो उस सिमिलैरिटी को अचीव करने के लिए और यूज़र एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए होस्टिंग को इन्होंने कर दिया ख़त्म। अच्छा, स्टिल ये होस्टिंग सिर्फ परफॉर्म होती है नेम्ड फंक्शन पे, एनोनिमस फंक्शन पे ये परफॉर्म नहीं होती है, ठीक है। अगर कोई एनोनिमस फंक्शन भी है तो उस पर भी परफॉर्म नहीं होती, और ये जो नए वाले एरो फंक्शन है इन पे तो बिल्कुल भी नहीं होती। ये मैंने कुछ क्या गड़बड़ की है कुछ क्या, अच्छा एक मैंने ब्रैकेट यहाँ से उड़ा दी है, ठीक है जी। तो ये पहला डिफरेंस तो ये
कि ES5 वाला जो फंक्शन था उसमें यह था कि नेम्ड फंक्शन में हो जाता था, एनोनिमस में नहीं होता था. ये ES6 वाला फंक्शन होता ही एनोनिमस है बाई डिफ़ॉल्ट. ES6 वाले फंक्शन में, एरो फंक्शन में, नेम्ड फंक्शन बनाने का कोई ऑप्शन नहीं है. इसमें एनोनिमस ही बनेगा और वो वेरिएबल में ही सेव होगा, या वेरिएबल में सेव होगा या तो डायरेक्ट पास होगा. वो हम जब डायरेक्ट पास होने वाला देखते हैं बाद में कि वो कैसे होता है. अच्छा, अब हम आ जाते हैं ज़रा ना इसी एरो फंक्शन के मज़ीद सिमेंटिक चेंजेस को देखने के लिए मोज़िला के डॉक्यूमेंट्स में. इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि जी एरो फंक्शन एक्सप्रेशन इज़ अ कॉम्पैक्ट अल्टरनेटिव, थोड़ा कॉम्पैक्ट वर्जन है ये, ठीक है, टू ट्रेडिशनल फंक्शन एक्सप्रेशन. अच्छा, फंक्शन एक्सप्रेशन जो ये कह रहे हैं ना, एक्सप्रेस करना किसी चीज़ को, अपनी बात का इजहार करना, तो फंक्शन जब लिख रहे होते हैं तो एक्चुअली हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं. हमने ये मैथ एक्सप्रेशन के टाइम पे अच्छे से डिस्कस किया था कि एक्सप्रेशन हम किस चीज़ को कह रहे होते हैं एक्चुअली ना. तो ये फंक्शन एक्चुअली जब हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो, या एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, ये बात एक ही है. तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने फंक्शन एक्सप्रेशन लिखा है. बड़ा अच्छा वर्ड चूज़ किया है, आई अप्रिशिएट. अच्छा, विथ सब सम सिमेंटिक चेंजेस एंड डेलिबरेट लिमिटेशन इन यूजेज. अब ये चार या तीन यहाँ पे जो है ना, इन्होंने बताया कि एरो फंक्शन डोंट हैव देयर ओन बाइंडिंग विद दिस. ठीक है, इसका अपना कोई दिस नहीं होता. अब ये अपना दिस का मतलब क्या है, ये हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर फंक्शन जब हम पढ़ेंगे ना इसी बुक में आगे, पता नहीं 65 चैप्टर है, पता नहीं कौन सा है, वहाँ पर ये दिस हम पढ़ेंगे कि जी ये दिस होता क्या है इटसेल्फ, और फिर ये एरो फंक्शन में ये दिस नहीं होता है. ठीक है, अच्छा, आर्ग्यूमेंट्स, अच्छा, सुपर नहीं होता इसके अंदर, और इसको अब मेथड के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते. ठीक है, यानी अब जिन लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ी हुई है पहले से, वो ये समझ रहे होंगे कि सुपर और ये मेथड्स वगैरह क्या होते हैं. अब सुपर पता है ना सबको. कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ी हुई है यहाँ पर, कोई है? कोई भी नहीं है. अच्छा, बहरहाल, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक अप्रोच होती है, वो क्लास वाली अप्रोच होती है कि जी वो चीज़ों की क्लास बनती है और वो उसके इंस्टेंसेस बनते हैं. तो वो असल में जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या था कि वो फंक्शन के अंदर ही ना क्लास वाली कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, जिसमें ये दिस और ये जो सुपर है और ये मेथड्स हैं ना, ये सारी वही चीज़ें. तो उनको ना अलहदा कर दिया गया, फंक्शन को फंक्शन रहने दिया जाए, बजाय इसके कि उसको क्लास और फंक्शन को मिक्स कर दिया जाए. तो ये क्लास और फंक्शन का मिक्सचर जो था ना, ये ES6 में इम्प्रूव किया गया इसको. ठीक है, अच्छा, ES6 में क्लास का कीवर्ड भी ऐड कर दिया गया. तो अब क्या होगा कि ES5 में फंक्शन और क्लास का मिक्सचर जो है ना, एक ही जगह पे था फंक्शन के अंदर. ES6 में अब क्या है कि क्लास का कीवर्ड अलग है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जिसको करने का बहुत ज़्यादा शौक है, वो क्लास का कीवर्ड लगाएगा और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करेगा जो जिस तरीके से होती है. और जिसको फंक्शनल प्रोग्रामिंग करना है, वो फंक्शन इस्तेमाल करेगा, और वो मतलब फंक्शन होंगे उसके अंदर, वो क्लास वाली कोई चीज़ें मिक्स नहीं हुई भी होंगी. ठीक है, तो By the way, हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा. जो कॉरपोरेट्स हैं ना, जो और जो एंटरप्राइजेज हैं, जो इन लोगों की बड़ी कोशिश है कि जावास्क्रिप्ट को ना घसीट के लेके जाएं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में किसी तरह. ठीक है, क्यों? अच्छा, और जो जावास्क्रिप्ट के डेवलपर्स हैं, जो ओपन सोर्स कम्युनिटी को ड्राइव कर रहे हैं, और जो मतलब जो मेन स्ट्रीम की जो जावास्क्रिप्ट को लेके चल रहे हैं, उनको है प्यार बड़ा फंक्शन से. तो ये है बड़ा मसला एक. अब ये मसला चल रहा है पिछले, मतलब जब से जावास्क्रिप्ट को जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का दर्जा हासिल हुआ है, ये जब से ही चल रहा है मसला. ठीक है, इसकी रीसेंट मिसाल ये है कि वो रिएक्ट का जो फ्रेमवर्क है, ये जब आया था ना शुरू में, तो ये था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. क्यों वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? इस वजह से था कि फेसबुक में बना था ये, फेसबुक ने अपने लिए बनाया था. अच्छा, तो फेसबुक भाई, फेसबुक में तो बॉस था कोई एक, बॉस ने बोला कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनेगी, तो बन गई. अच्छा, फिर जब वो कम्युनिटी में आई ना, तो अब जाहिर है कम्युनिटी ने बोला कि इसमें ये मसले हैं. अब जब बॉस सैलरी दे रहा होता है, तो फिर तो उसको ज़्यादा कुछ बोला नहीं जा सकता ना बॉस को, फिर बॉस नाराज़ हो जाते हैं. तो इसलिए वो ओपन सोर्स में तो लोग खुला बोलते हैं भाई. तो जब लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, बहुत सारे मसले मसाइल थे, तो उसमें ना वो टेप लगाते लगाते उन्होंने बोला यार इसको चेंज ही कर देते हैं. तो वो अल्टीमेटली जो है, उन्होंने उसको फंक्शनल कंपोनेंट्स इंट्रोड्यूस करवाए, और अब जो है सब लोग फंक्शनल कंपोनेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं ना. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का वो शौक उनका पूरा हो गया. यानी तो चक्कर असल में ये है
कि ना ये जो आपका सवाल है वो ये है कि कौन सा बेहतर है ज़्यादा, है ना। एक तो ये कि कम्युनिटी क्या कर रही है, वो मैंने आपको बताया कि कम्युनिटी बोलती है हमें भाई हमें चाहिए फंक्शनल प्रोग्रामिंग, और कंपनीज़ को ज़्यादा शौक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। तो लेकिन इनमें से बेहतर कौन सा है, सवाल ये। तो ये ना बेहतर की बात नहीं है, इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा ये दो प्रोग्रामिंग पैराडियम्स हैं। एक है फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडियम। अगर मैं आपको विकिपीडिया का पेज हम खोलेंगे, तो ये ना मल्टी पैराडियम लैंग्वेज है, ठीक है जी। पैराडियम ये कौन कौन से सपोर्ट करती है, इवेंट ड्रिवन पैराडियम, फंक्शनल पैराडियम, इम्पेरेटिव, प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की पूरी सपोर्ट आ गई है ES6 में आने के बाद। अब ये इवेंट ड्रिवन इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इसी बुक में आगे, इवेंट्स का जो चैप्टर है वहाँ पे पढ़ेंगे। फंक्शनल अब हम फंक्शनली पढ़ा है अभी तक हमने, जो भी पढ़ा है शुरू से ना अभी तक हमने फंक्शनल वाली प्रोग्रामिंग है। इम्पेरेटिव ये होता है कि जी हर लाइन जो है ना वो अलग अलग लाइन टर्मिनेटर से टर्मिनेट होगी, और इस तरह करके आप जाके पढ़ सकते हैं इम्पेरेटिव का। आप यहाँ पे पेज खोलेंगे ना तो ये कहाँ गया, ये इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग, यहाँ से पढ़ें जी इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडियम क्या होता है। तो पैराडियम जो होता है वो क्या चक्कर होता है कि किसी भी कोड को लिखने का जो अंदाज होता है कि जी कोड को लिखा कैसे जाए, लिखने का जो तरीका होता है, टूल्स तो सारे मौजूद हैं, टूल्स तो फंडामेंटल पढ़ लिए हमने, अब इनको इस्तेमाल कैसे करें हम, कोड लिखने का अंदाज जो होता है उसको हम कहते हैं पैराडियम। तो जी एक फंक्शनल पैराडियम है जिसमें क्या होता है हर चीज़ फंक्शन होती है, ठीक है। फंक्शनल क्योंकि हम पढ़ रहे हैं शुरू से तो आपको ज़्यादा समझ आएगी कि जी एक फॉर्म बना हुआ है, सबमिट के बटन पे पीछे एक फंक्शन चलता है, और क्या कहते हैं हमें पेज लोड होते ही कोई काम कराना है तो हमने एक फंक्शन बना दिया, उसको बॉडी के ऑन लोड पे कॉल करा दिया, तो फंक्शन है। या मिसाल के तौर पे कोई भी चीज़ वो सारे फंक्शन से ही हम कर रहे हैं एक्चुअली अभी फ़िलहाल, मतलब स्क्रॉल होने पे कुछ काम कराना है, एक पेज से दूसरे पेज पे जाने पे कोई काम कराना है, तो फंक्शन होता है, हर चीज़ के लिए एक फंक्शन होता है, तो इसको हम कहते हैं फंक्शनल पैराडियम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडियम एक दूसरा तरीका है लिखने का, उसके अंदर क्या होता है वो रियल लाइफ से थोड़ा इंस्पायर्ड है, उसमें क्लास बनती है। अब मिसाल के तौर पे एक अगर साइन अप हो रहा है कहीं पे तो यूज़र की एक क्लास बनती है कि जी अच्छा ये यूज़र है, इसमें रोल एडमिन होगा या यूज़र होगा, वो एक दूसरी कहानी है वो। तो मैं एक दफ़ा स्टडी कर रहा था इसके बारे में, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग पैराडियम है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है सॉफ्टवेयर डेवलपर के पर्सपेक्टिव से। अब सॉफ्टवेयर डेवलपर सॉरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पर्सपेक्टिव से, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो बंदा होता है जिसको टास्क डिवाइड करना होता है, जिसको टीम से काम लेना होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाले पैराडियम के अंदर ये चीज़ थोड़ी आसान होती है कि जी अलग अलग मॉड्यूल होते हैं, मिसाल के तौर पे एक बड़ा सॉफ्टवेयर है उसके अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, तो वो जी 10-10 बंदों की टीम बनी हुई है तो एक एक बंदे एक एक टीम को ना एक एक मॉड्यूल वो पकड़ा देते हैं, वो अलग अलग काम कर रहे होते हैं मॉड्यूल पे, बाद में उसको कंपाइल करके सेम कर दिया जाता है। तो इन चीज़ों में ना थोड़ा सा लोगों का ख्याल है, जो लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को लाइक करते हैं उनका ये ख्याल है कि टीम से काम करवाना और जो बड़ा कोड है, जो बड़ा कोड बेस है उसको मैनेज करना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडियम में निस्बतन आसान है, ठीक है। अच्छा, जो लोग फंक्शनल प्रोग्रामिंग को लाइक करते हैं ज़्यादा, उनका ये ख्याल है कि यार कोई आसान आसान नहीं है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग को टेस्ट करना आसान होता है, फंक्शंस होते हैं तो इनपुट आउटपुट हमें पता होता है, तो हम उसके टेस्ट केसेस बड़े आराम से लिख लेते हैं, और जो है ना इतना बड़ा कोड बेस होना ही नहीं चाहिए इन द फर्स्ट प्लेस, तो छोटे छोटे होने चाहिए कोड बेसिस और वो इंडिविजुअली उसको काम करना चाहिए। वो बड़ी लंबी डिबेट है ये, जैसे वो पेप्सी और कोक की डिबेट है, आईफोन और एंड्रॉयड की डिबेट है, तो इसकी भी एक डिबेट है। तो दोस्त इसमें डिवाइडेड है लोग हमेशा, आपको पता है कहीं पे भी कोई भी डिस्कशन होती है ना पूरी दुनिया में, ये दुनिया का कोई भी टॉपिक हो जब डिस्कशन होती है तो उसमें दो ग्रुप बनते हैं, तो इसके भी दो ग्रुप हैं। जो मेन स्ट्रीम जो चल रहा है हमारा तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, कॉरपोरेट्स को और एंटरप्राइजेस को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ज़्यादा पसंद है, सही है। लेकिन जावास्क्रिप्ट जो है वो कम्युनिटी बजे दे के भाई हमने फंक्शनल करना है, तो यही वजह है आप जितनी भी लाइब्रेरी जावास्क्रिप्ट की आप देखेंगे, जितने भी फ्रेमवर्क्स आप देखेंगे वो ज़्यादातर जो है ना फंक्शनल पे चलते हैं। कुछ लोगों ने मारे बांधे उसको बनाया हुआ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, वेल अब तो ES6 के आने के बाद आई एम नॉट श्योर,
लाइब्रेरीज़ ने सपोर्ट देना शुरू कर दी है ES6 में, ये क्लास वगैरह पे आहिस्ता आहिस्ता लोग मूव होना शुरू हो गए हैं। अब जो नए डेवलपर्स आ रहे हैं, क्योंकि जो बेसिक प्रोग्रामिंग आमतौर पे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, तो उसमें जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ाते हैं वो बहुत सारी, जैसे जावा, अगर कहीं पे जावा जो है बाई डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, कोई जावा का डेवलपर होगा ना जो, तो वो फंक्शनल का उसको पता भी नहीं होगा, हालांकि उसमें हो सकती है फंक्शनल, लेकिन उसको पता भी नहीं होगा। अच्छा, इसी तरह पाइथन है, तो पाइथन में भी दोनों पे काम होता है, फंक्शनल में भी काम होता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में भी होता है, और दोनों बैलेंस चल रहा है, इक्वली चल रहा है। अच्छा, सी शार्प में जो है उनको भी फंक्शनल का पता नहीं होगा, सी शार्प में भी बाई डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। अच्छा, सी प्लस प्लस में भी बाई डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, ठीक है। अच्छा, सी लैंग्वेज में ऑन अदर एंड जो है ना वो फंक्शनल है, सी लैंग्वेज के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पॉसिबल नहीं है, सी लैंग्वेज में फंक्शन ही होते हैं, उसमें ये नहीं होता, क्लासेस व्लासेस नहीं होती, ठीक है। तो ये अच्छा, स्विफ्ट जो है जिसमें आईफोन की एप्लीकेशन बनती है, वो भी बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, उसमें भी फंक्शनल काम नहीं कर सकते आप, कर सकते हैं लेकिन करता कोई नहीं है, वो तो सारे ही मल्टी पैराडियम है, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खोलेंगे सब में मल्टी पैराडियम लिखा होता है, और फंक्शनल और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये सब जितनी भी जदीद लैंग्वेज है सब में दोनों की सपोर्ट है, लेकिन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो कम्युनिटी है ना उस पर डिपेंड करता है कि वो चल क्या रहा है, और वो आपको वही बंदा बताएगा जो कम्युनिटी का पार्ट है या जिसका एक्सपीरियंस रह चुका है उस लैंग्वेज के साथ। वेल, बुक्स, हाँ नहीं, जावास्क्रिप्ट में लेकिन फंक्शनल है, अगर जावास्क्रिप्ट की हम बात करें तो फंक्शनल है, क्योंकि कम्युनिटी लाइब्रेरी सारी फंक्शनल में लिखी हुई है। अब वेल, अगर आज से 2 साल बाद 3 साल बाद अगर कम्युनिटी मूव करेगी अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, तो हम भी मूव कर जाएंगे, कौन सी को बहुत बड़ी बात है क्या। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के 5 प्रिंसिपल्स हैं, 5 प्रिंसिपल्स 1 घंटे की क्लास में कवर हो जाएगा, अगर किसी को काम कर रहा है ना कोई, ऑलरेडी इंडस्ट्री में है, काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, 8 घंटे काम कर रहा है जावास्क्रिप्ट पे, तो उसके लिए 2 घंटे की एक क्लास में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पूरी है। अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा मैं, क्योंकि एक तो हमारे कोर्स आउटलाइन का पार्ट नहीं है वो, और अभी वो हो नहीं रहा मार्केट में, मार्केट में सारा चल रहा है फंक्शनल, मगर वो 2 घंटे का केस है, मैं ही वीडियो बना दूंगा, वो देख लेना, ख़त्म हो गई बात, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि अच्छा दोनों पता होनी चाहिए, दोनों पता हो तो बेहतर है। यूनिवर्सिटीज़ में आमतौर पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पर बड़ा फोकस है, तो जो लोग यहाँ पर बैठे हैं यूनिवर्सिटी वाले, उन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ी होगी, तो वो 5 टोटल कॉन्सेप्ट हैं, वो पॉलीमॉर्फिज्म और वो क्या है, वो 5 है इनहेरिटेंस और वायरल, क्योंकि वो यूज टू नहीं है तो वो भी भूल गए हमें 5 क्या थे। अच्छा जी, तो वेल ये वाली बात हो गई कि जी हमारे पास ना ये वाले इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाले ये हटा दिए फंक्शन में से। अच्छा जी, एरो फंक्शन कैन नॉट बी यूज्ड एज कंस्ट्रक्टर, अब कंस्ट्रक्टर भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला मंजन था, तो वो भी इन्होंने हटा दिया। अच्छा, न्यू करके इसको कॉल नहीं कर सकते। एरो फंक्शन कैन नॉट यूज यील्ड, अब ये जनरेटर फंक्शंस होते हैं, यील्ड ये हमारा अभी फिलहाल टॉपिक नहीं है, तो ये भी इसमें काम नहीं हो सकता है। हाँ, जो डेट में जो न्यू इस्तेमाल करते थे ना हम, वो अगर जाहिर है डेट एक फंक्शन है जो हम कॉल करते हैं, तो डेट गेट होती है, तो ये जो एरो फंक्शन बना हुआ होगा ना अगर, तो उस एरो फंक्शन को न्यू करके कॉल नहीं कर सकते हम। ये न्यू वाला भी जो टॉपिक है, जब हम ये पढ़ेंगे ना इसी बुक के आगे जाके जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन, तो उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर ये न्यू हम देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का थोड़ा सा टच है, वो पुराना वर्जन, ठीक है। इंशाल्लाह वो हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन नहीं, हम उसमें क्लास का कीवर्ड ही पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है वो जो इस बुक में लिखा हुआ है वो थोड़ा सा आउट ऑफ डेट हो गया है, अब क्लास का कीवर्ड मौजूद है, तो वो हम इंशाल्लाह क्लास का कीवर्ड पढ़ेंगे। ES6 पढ़ेंगे हम, ES5 में उसका नाम था कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ES6 में है क्लास, यानी कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला जो बन गया। अच्छा जी, सिंटैक्स यहाँ पे ये लिखा हुआ है सारा, जो मैंने 3-4 आपको तरीके लिख के बताए कि जी अगर आपका ना कोई पैरामीटर नहीं है तो आप कोई ऐसे ब्रैकेट लगाओगे आप, और यहाँ एक्सप्रेशन लिखोगे आप, अगर एक पैरामीटर है तो ऐसे, ठीक है, एक पैरामीटर में गोल ब्रैकेट भी लग सकती है, ठीक है जी, 2 पैरामीटर है तो ऐसे, उसके बाद ऐसे एरो लगा के यहाँ एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। अच्छा, अगर अब एक्सप्रेशन के अंदर क्या क्या हो सकता है वो बता रहा है जी, कि जी ये आपका फंक्शन शुरू हुआ, ये एक्सप्रेशन है, इन दोनों एक्सप्रेशन में क्या फ़र्क है। अच्छा, एक पैरामीटर के साथ एक बगैर पैरामीटर के, ये 2 पैरामीटर आ गए। अच्छा, हाँ 2 पैरामीटर में ब्रैकेट लगाना होगा, अगर पैरामीटर नहीं देंगे जब भी ब्रैकेट लगाना होगा, एक पैरामीटर में ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब देखो ज़रा क्या चीज़ है ये, रेस्ट पैरामीटर, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर एंड डी स्ट्रक्चरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है,
जो ES6 में इंट्रोड्यूस करवाई गई है, ES5 के फंक्शन में ये काम नहीं कर सकते थे आप। रेस्ट पैरामीटर क्या होता है जी, ये सबसे पहला वाला जो है, ये देख रहे हो, ये एक फंक्शन बना हुआ है, इसमें ए बी और ये आर लिखा हुआ है साथ में। इसका मतलब क्या है कि अगर तो इसको आप देंगे ना दो पैरामीटर, तो एक ए में आ जाएगा, एक बी में आ जाएगा। अगर इसको एक तीसरा पैरामीटर देंगे आप, तो वो ये आर जो है ना आपको एज अ एरे मिलेगा। अच्छा, इसकी मैं मिसाल देके समझाता हूँ। ये अनलिमिटेड पैरामीटर का चक्कर है कि तीन दे दूँ, चार दे दूँ, पाँच दे दूँ, छः दे दूँ, तो शुरू के दो इधर आ जाएंगे, बाकी का जो सारा है ना वो आर के एरे में आ जाएंगे पूरे। जैसे कॉन्सोल डॉट लॉग है, अब कॉन्सोल डॉट लॉग एक फंक्शन है ना, क्योंकि कॉल सिग्नेचर लगाते हैं अंदर, उसके पैरामीटर देते हैं। अब कंसोल डॉट लॉग को मैंने एक स्ट्रिंग दिया, कॉमा डाल के एक और स्ट्रिंग दिया, कॉमा डाल के एक और स्ट्रिंग दिया, वो सबको प्रिंट कर देता है। अब ये जो फंक्शन है जिसमें कॉमा 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 डाल के मैं अनलिमिटेड नंबर ऑफ, अब उसमें 20 25 30 40 भी दे के मैंने देखे हैं, वो सबको एक्सेप्ट करता है ना। तो अगर एक थिंकिंग ये हो सकती है जिस बंदे ने फंक्शन ये वाला नहीं पढ़ा, जिसने, वो ये सोचेगा कि शायद एक फंक्शन बना हुआ है और उसमें ना ए बी सी डी कॉमा कॉमा डाल के बहुत सारे किए हैं, और अंदर कोई लॉजिक लगी हुई कि जितने हों उतने प्रिंट करो बाकी को नहीं, ऐसा। लेकिन वो असल में ऐसा नहीं है, वो पैरामीटर ये वाला यूज़ हुआ है, रेस्ट पैरामीटर। हाँ अच्छा, तो रेस्ट पैरामीटर में क्या होता है कि ये जो आर है ना, ये आपको एरे के तौर पर मिलता है, लेकिन एरे तो वैसे भी ले सकते हैं फंक्शन में, फंक्शन में एरे नहीं ले सकते क्या? ले सकते हैं। तो इसमें रेस्ट पैरामीटर में और एरे में क्या डिफरेंस हुआ? डिफरेंस ये है कि भाई देखो, ये फंक्शन अभी इमेजिन करो ए और बी है ही नहीं, अभी इमेजिन करो ए और बी नहीं है, सिर्फ आ रही है और अनलिमिटेड पैरामीटर है। अब अगर ये आर के अंदर ना मैं पैरामीटर कैसे दूंगा कॉल करते हुए, जैसे फंक्शन का नाम मिसाल के तौर पे समझो सम है, सम कॉल सिग्नेचर 1, 2, 3, 4, चार नंबर दे दिए मैंने, 1, 2, 3, 4 कॉमा कॉमा डाल के दे रहा हूँ, एरे नहीं दे रहा मैं। जब मैं कॉल करते हुए ना, मुझे नहीं इसको बताना कि जी एरे देना है, मैं कॉमा कॉमा करके जैसे पैरामीटर देता हूँ मैं वैसे दूंगा। यहाँ पे आर में मुझे ये मिलेगा एज अ एरे, और एज अ एरे जब मुझे मिलेगा तो मैं फॉर लूप वगैरह चला के जैसे भी उसको प्रोसेस करना होगा वो मैं कर दूंगा। नहीं, तीसरे नंबर पे नहीं, ये रेस्ट पैरामीटर आप पहले नंबर पे भी दे सकते हो, जैसे इसने तो लिख, हाँ ये कहीं भी, अब लास्ट में, बाई द वे वैसे अगर दो तीन पैरामीटर शुरू में तो ये लास्ट में ही होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कोई और भी हो, सिर्फ ये आर भी हो सकता है। अच्छा, इसका नाम भी आर रखा है ना इसने, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये तीन डॉट असल में ये बता रहा होता है कि जी ये रेस्ट पैरामीटर है, तो तीन डॉट लगा के मैं ए आर आर लिख दूँ, या तीन डॉट लगा के मैं इनपुट्स लिख दूँ, तो वो उस नाम से मुझे मिलेगा, जो नाम लिखूंगा उस नाम से मुझे वो एरे के तौर पर मिल रहा होगा अंदर, ठीक है। ऑन अदर एंड अगर मैं ये रेस्ट पैरामीटर ना लगाऊं, मैं जस्ट ये सारे पैरामीटर हटा के ना मैं एक आर लिख दूं वहाँ पे, या एक ए आर आर लिख दूं, अब मुझे फंक्शन कॉल करते हुए मुझे स्क्वायर ब्रैकेट वाला एरे पास करना होगा, काम सेम होगा, लेकिन ये रेस्ट पैरामीटर जो है वो एक जदीद सिंटेक्स है, ठीक है, क्योंकि प्रोग्रामिंग के सिंटेक्स भी जदीद और पुराने होते हैं ना। ये रेस्ट पैरामीटर वगैरह ना, ये सी लैंग्वेज के ज़माने में ये नहीं था। जैसे सी लैंग्वेज को बोला जाता है कि मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस है ये, ठीक है, तो मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस का वो इसलिए कहते हैं कि सी लैंग्वेज में जो सिंटैक्स इंट्रोड्यूस करवाया गया था और जो उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, वो आज तक ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एज इट इज़ उसको बोरो किया गया। जैसे इफ़ का जो सिंटैक्स है हमारा, वो सी लैंग्वेज में एज इट इज़ इंट्रोड्यूस करवाया गया था, उससे पहले इफ़ का सिंटैक्स वो नहीं था, वो सी लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस हुआ था इफ़ का सिंटैक्स। फॉर लूप का जो सिंटैक्स है हमारा, फॉर लूप का जो कंस्ट्रक्ट है कि जी वो तीन पार्ट होते हैं और जो एक बॉडी होती है, वो एग्जैक्टली उसी तरह सी लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अच्छा, स्विच है, स्विच भी उसी में आया था। फंक्शन इट्सेल्फ, जो फंक्शन का एक एक सिंटैक्स है जो ES5 वाला, वो उसमें था। लेकिन ये वाले जो सिंटैक्स है ना, जदीद सिंटैक्स हैं ये सारे, ये उस टाइम नहीं थे। ये आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने रियलाइज़ किया कि अच्छा जी, अगर इस तरह से करके लिखा जाए तो लिखने वाले को कोड लिखने में आसानी होगी और कोड को पढ़ने वाले के लिए रीडेबिलिटी में इजाफा होगा। तो ये वाले जदीद सिंटैक्स हैं जी, तो ये आ गए। रेस्ट पैरामीटर के अलावा भी ये काम हो सकता है कि जी एरे इनपुट ले लो आप, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जदीद सिंटैक्स हैं हमारे। अच्छा, दूसरा क्या है जी हमारे पास रेस्ट पैरामीटर के अलावा? डिफॉल्ट पैरामीटर। अब डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होता है कि जी मैंने कहा ए इक्वल टू 400, बी इक्वल टू 20 और सी को मैंने कुछ नहीं लिखा, तो अब क्या होगा कि जी अगर कोई भी पैरामीटर, अच्छा ये बाय द वे ये लास्ट में इसने सी गलत लिखा है, लास्ट में भी इसको डिफ़ॉल्ट पैरामीटर देना चाहिए था, क्योंकि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर भी लास्ट वाले होते हैं, है ना, क्योंकि जावास्क्रिप्ट चलता है सीक्वेंस के हिसाब से,
तो सीक्वेंस में ए ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं ए पैरामीटर ना दूं और बी और सी दे दूं, ये तो हो नहीं सकता है ना, तो डिफ़ॉल्ट वाले में भी लास्ट वाले पे लगेगा वो, ये गलत इन्होंने कर दिया शायद। तो वेल तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या है भाई? डिफ़ॉल्ट पैरामीटर ये है कि जी अगर मैं क्या करूँगा, अगर ये वाला, इसमें तीन पैरामीटर इस फंक्शन में, मैंने तीनों पैरामीटर नहीं दिए, मैंने बगैर पैरामीटर के ही कॉल कर दिया फंक्शन को, तो अब क्या होगा? ए के अंदर ना 400 बाय डिफ़ॉल्ट मुझे मिल जाएगा, हाँ, बी के अंदर मुझे 20 बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा, और सी में अनडिफाइन मिलेगा क्योंकि सी नहीं है, सी में कोई डिफ़ॉल्ट भी नहीं है ना मैंने पास किया, ठीक है जी, तो ये सी मुझे अनडिफाइन मिलेगा। तो ये तीन पैरामीटर इस फंक्शन के अंदर लिए हुए हैं, इसको हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, ठीक है। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर जब तक ये इसमें नहीं आया था ES6 में, नहीं नहीं ये तो फंक्शन की डेफिनेशन है ना, ये फंक्शन तो बन रहा है, ये फंक्शन अभी, ये फंक्शन बनाते वक्त भाई, यहाँ पे मैं लगा के दिखा देता हूँ तुम्हें शायद वैसे नहीं समझ आया। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है, इस फंक्शन का नाम है सम नाम है सर, सही है। अब इमेजिन करो इसको जब मैं कॉल करूँगा इस फंक्शन को, तो मैं कैसे करूँगा, सम लिखूँगा और ऐसे करके कोई नंबर दूंगा 3, 2, 4, 2, जब तो ये सम करेगा ना। अगर मैंने इसको कोई पैरामीटर नहीं दिया तो ये क्या होगा, ये दोनों अनडिफाइन मिलेंगे, अनडिफाइन प्लस अनडिफाइन जो भी होगा वो रिटर्न हो जाएगा। अब मैं ये करता हूँ, मैंने कहा इक्वल टू 20 और इक्वल टू 10। अब क्या होगा कि जब मैं सम को कॉल करूँगा ना और बगैर पैरामीटर के कॉल करूँगा, तो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट ये 20 पैरामीटर 20 और प्लस 10 मिल जाएगा। तो अगर मैं जब इस तरह कॉल करूँगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, फिर 30 रिटर्न करेगा। लेकिन अगर मैंने ये कॉल कर दिया 1, तो अब क्या मिलेगा, ये 1 किस में मिलेगा मुझे, ए में या बी में? ए में मिलेगा ना, सीक्वेंस फॉलो करता है ये, है ना। तो ये जो 1 मैंने पास किया, ये पहला वाला पैरामीटर तो मैंने दे दिया, सेकंड वाला पैरामीटर मैंने नहीं दिया, तो पहला पैरामीटर उसको मिल जाएगा, सेकंड वाला नहीं मिलेगा, है ना, यही होगा। तो पहला पैरामीटर 1 और दूसरा वाला 10 मिल रहा होगा, तो ये 11 हो जाएगा। ठीक है जी। और अगर मैं दूंगा ना 1, 2 तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, तो वो मतलब अब मुझे सीधा सीधा वो 3 दे रहा होगा, एक नॉर्मल फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा होगा। तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर बहुत सारी जगहों पे हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर जब नहीं आए थे तो इससे पहले हम क्या करते थे, फंक्शन की बॉडी के अंदर चेक करते थे कि अच्छा जी अगर ए इक्वल्स टू अनडिफाइन है तो इसको ए इक्वल्स टू 0 कर दो, है ना, हम ये करते थे कि जी अगर वो, हम चेक करते थे कि जी अगर नहीं दिया बंदे ने तो आप उसकी जगह ये रख दो, दोनों पैरामीटर को बारी बारी चेक कर रहे थे। तो वो 3-4 लाइन का जो इफ एल्स लगता था वो बच गया हमारा इसके आने से। अंडर द हुड कर ये भी वही रहा, ऐसा तो मतलब हवा से नहीं हो रहा, वो उसके अंदर भी वही रहा, लेकिन वो एक सिंटैटिक शुगर है ये, आप कह लें सिंटैक्स हमारा जो है ना इससे बेहतर हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो ये जी हमने डिफ़ॉल्ट पैरामीटर देख लिया। अच्छा, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के अलावा डीस्ट्रक्चरिंग है। डीस्ट्रक्चरिंग हमने जब हम ऑब्जेक्ट पढ़ रहे थे उस वक्त हमने पढ़ा था डीस्ट्रक्चरिंग। अच्छा, तो डीस्ट्रक्चरिंग ज़रा पहले अलग से पढ़ देते हैं, ठीक है, डीस्ट्रक्चरिंग हम अलग से पढ़ देते हैं, पढ़ा था मुझे ऐसा याद पड़ रहा है, वेल रिमाइंड हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। मैंने कहा कि जी लेट 20, 23, 21 ये एक एरे है मेरे पास, राइट, एक 3 इंडेक्सेस का एक एरे है मेरे पास, इसको जो डी स्ट्रक्चर जो हम कहते हैं ना, डी स्ट्रक्चर इसको करना, वो डी स्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है उसको खोल देगा, वो स्ट्रक्चर को खोल के रख देगा, जो एक वो पैक हुआ हुआ है एक ब्रैकेट्स के अंदर उसको खोल के रख देगा। अच्छा, तो अब मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि लेट, अच्छा लेट का नाम तो मैंने लिखा ही नहीं इसका, लेट ARR1 इक्वल्स टू, अब मैं एक दूसरा एरे बना रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे दूसरे एरे में कुछ वैल्यूज़ लिखनी है। मैंने कहा कि पहले क्या करो आप, डॉट 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 ARR यहाँ लिख दो, ठीक है, इसको मैं ओरिजिनल कर देता हूँ, बल्कि ना ओरिजिनल एरे
और ये मैं एक बना रहा हूँ कि न्यू एरे बना रहा हूँ। तो ये ओरिजिनल एरे था, जब मैं नया एक एरे बनाने लगा तो मैंने कहा कि जी तीन डॉट और ओरिजिनल को पहले आप रख दो यहाँ। सही है, सॉरी यार, ये तो स्प्रेड ऑपरेटर कहलाता है, मैं गलत बता रहा हूँ। चलो स्प्रेड पूरा कर लेते हैं फिर हम डीस्ट्रक्चर है, ये दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है। डीस्ट्रक्चरिंग अभी देखते हैं वो क्या है। हाँ वो स्प्रेड ऑपरेटर है, मैं वो गलत बोल रहा था, डीस्ट्रक्चरिंग अभी बताता हूँ क्योंकि स्प्रेड शुरू कर लिया तो उसको ज़रा बता दूँ। ये पढ़ चुके हैं हम, ये भी भाई दर दोनों पढ़ चुके हैं, मुझे याद पड़ रहा है जो। तो मैंने कहा जी पहले ना ओरिजिनल को ना ज़रा खोल के यहाँ पे आप रख दो। अच्छा तो क्या होगा कि ये वाला जो एरे बनेगा ना उसके जो पहले तीन पैरामीटर होंगे ना, वो पहले जो तीन इंडेक्सेस होंगे वो ये वाले होंगे। और मैंने कहा यहाँ पे ना आप एक वन भी लगा दो और कॉमा डाल के एक ज़ीरो लगा दो। तो अल्टीमेटली अब जो यहाँ पे एक नया एरे कंस्ट्रक्ट होगा, यानी न्यू ARR को अगर मैं कंसोल करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे एक इस तरह का एरे मिलेगा कि जी 20, 23, 21, ठीक है, और कॉमा डाल के 1 और कॉमा डाल के 0। तो कुछ इस तरह का मुझे जो है ना, कुछ इस तरह से मुझे ना एक एरे बन के मिल जाएगा, ठीक है, न्यू ARR को अगर मैं कंसोल कराता हूँ तो। अच्छा, अगर मैं इस डॉट को दरमियान में भी लगा सकता हूँ, मैंने कट किया, बल्कि दरमियान में नहीं, शुरू में कुछ वैल्यूज़ दे देते हैं ना। मैंने कहा यहाँ पे आप लगा दो 40 कॉमा, ये स्प्रेड ऑपरेटर है, तीन डॉट डाल के मेथड, नहीं नहीं मेथड तो नहीं, अभी वो तीन डॉट तुमने उसमें पढ़ाया, पता नहीं अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा कि फौरी तौर पे इस तरह का कोई मेथड भी हो। वेल अगर मैं ऐसे करूं कि मतलब दरमियान में उसको मैंने लगाया है तो जिस जगह पे लगाया ना वहाँ पे ही वो वैल्यू आ रही होगी, मतलब एज अ रिजल्ट 40 कॉमा ऐसे करके बन रही होगी, जो एज अ रिजल्ट अब जो ये न्यू एरे बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा कि जी पहले जो वैल्यू दी है मैंने 40 वो एज इट इज़, फिर वो ऊपर वाला एरे खोल के यहाँ रख दिया जाएगा और उसके बाद ये 1 और 0, ठीक है, स्प्रेड ऑपरेटर इसको हम कहते हैं। अच्छा जी, ये तो स्प्रेड ऑपरेटर हो गया। इसी तरीके से आप डी स्ट्रक्चरिंग ज़रा देख लो कि वो क्या है। लेट सिंटैक्स है, ये सिंटैटिक शुगर है ये भाई, वैसे इसके बगैर भी तो ये काम हो सकता था ना। मैं यहाँ पे क्या कर देता, मैं यहाँ पे ऐसे लिख, अगर इसके बगैर मैंने ये काम करना होता तो मैं क्या करता, मैं कहता ओरिजिनल का इंडेक्स 0 कॉमा ओरिजिनल का इंडेक्स 1 कॉमा ओरिजिनल का इंडेक्स 2, कर देता ये काम मैं, ठीक है। वेल या मैं लूप चला के कर देता अगर मुझे उसकी लेंथ नहीं पता या ये कोई और दूसरा है, तो मैं लूप चला के कर देता, पहले मैं ये 40 का एक एरे बनाता फिर उसमें मैं लूप चला के पुश 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 करता फिर बाकी के वैल्यू, लेकिन वो कोड लंबा चौड़ा हो जाता, मेरा सिंटैक्स जो है ना वो थोड़ा सा शॉर्ट हुआ है इसकी वजह से, सिंटैक्स थोड़ा खूबसूरत हो गया, जो काम मैंने 6 लाइन में करना था वो मैंने 1 लाइन में कर दिया। अंडर द हुड काम ये वही कर रहा है, मोर और लेस काम ये वही कर रहा है, लेकिन ज़रा एफिशिएंट अंदाज में। अब जाहिर है मैं जब ये 6 लाइन का कोड मैं लिखूंगा, हर दफ़ा मुझे सोचना पड़ेगा ना कि कैसे होता है क्या होता है, वो हर दफ़ा मुझे चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। उन्होंने एक ही दफ़ा अंदर सेटिंग करके अच्छे से लिख दिया है एफिशिएंट वे में और मुझे सिंटैक्स बना के दे दिया, तो ये इसका फ़ायदा है, स्प्रेड ऑपरेटर, यस, ठीक है जी, स्प्रेड ऑपरेटर। अच्छा जी, अब डीस्ट्रक्चरिंग सुन लो, ये ओरिजिनल एरे है और यहाँ पे मैं क्या बना रहा हूँ, डीस्ट्रक्चर्ड एरे। अब मिसाल के तौर पे मुझे क्या करना है कि जी ये तीन जो वैल्यूज़ है ना इसको तीन अलग अलग वेरिएबल में डालना है। तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि मैं कहूँ ए इक्वल्स टू ओरिजिनल का इंडेक्स 0 और बी इक्वल्स टू ओरिजिनल का इंडेक्स 1 और सी इक्वल्स टू ओरिजिनल का इंडेक्स, सही है, मुझे इसके हर इंडेक्स को एक अलहदा वेरिएबल में डालना है। तो इसका तरीका एक तो ये है, दूसरा तरीका इसका ये है कि मैं क्या करूँगा, इसको कर देता हूँ कमेंट और मैं बोलूँगा कि जी लेट ए ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल्स टू ओरिजिनल दिस वे। तो अब क्या होगा, ये तीन वेरिएबल बन जाएंगे और इन तीनों वेरिएबल के अंदर ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब ये एरे डी स्ट्रक्चरिंग आप अलग से भी देखना चाहें तो आप दे सकते हैं, हाँ तीनों एक साथ ही आएंगे, ठीक है जी।
ये इन्होंने डी स्ट्रक्चर करके दिखाया हुआ है उसी सेम तरीके से। अगर आप यहाँ पे इसको मज़ीद स्टडी करना चाहें ना तो ये डी स्ट्रक्चरिंग का पूरा टॉपिक यहाँ पे मौजूद है, क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटीज़ होती हैं और वो रेस्ट ऑपरेटर को और डी स्ट्रक्चर को मिला के और वो सारा गोल मट्ठा पका के ना इन्होंने डिटेल्ड बात यहाँ पे लिखी हुई है। सही, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है। तो वेल, तो बहुत ही सिंपल सा एक वे है। अच्छा, इसका इस्तेमाल ज़्यादातर जब हम API कॉल करते हैं ना और वहाँ से बड़ा सारा ऑब्जेक्ट आता है तो उस ऑब्जेक्ट को जो है ना डी स्ट्रक्चर करके हम उसकी कुछ वैल्यूज़ अलग अलग वेरिएबल में उठा लेते हैं, उस वक्त ये काफ़ी यूज़फुल रहता है। तो ये हम API कॉल अब इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम सारा इंटरनेट वाली ऐप्स ही बनाया करेंगे, जैसे वेदर ऐप पहली ऐप है, आगे भी हम जब अब जो भी असाइनमेंट्स होंगे ज़्यादातर वो कोई ना कोई API उसमें हम कॉल कर रहे होंगे, तो उस वक्त हम देखेंगे कि ये कहाँ पे हमारे लिए यूज़फुल रहता है। अच्छा, जैसा कि ये हो गया एरे के साथ, ऑब्जेक्ट भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ज़रा एक और ऑब्जेक्ट के साथ भी एक करके दिखा देता हूँ। ऑब्जेक्ट में भी डीस्ट्रक्चरिंग हो जाती है। मैंने कहा कि लेट OBJ इक्वल्स टू, मैंने कहा कि जी नेम है मलिक, क्लास नेम है साइंस और रोल नंबर है 20। ओके, अब मैंने क्या करना है कि इस ऑब्जेक्ट में से ना दो वैल्यूज़ को एक अलहदा वेरिएबल में डालना है, नेम को और क्लास नेम को। ठीक है जी, तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा लेट, मैंने कहा कि सॉरी, अब ये ऑब्जेक्ट है ना तो ये इस तरह से होगा, नेम कॉमा क्लास नेम, ठीक है, इक्वल्स टू OBJ। ठीक है, तो अब मैंने दो वेरिएबल बनाया, एक बनाया नेम, एक बनाया क्लास नेम। अब अगर मैं नेम को प्रिंट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मलिक मिल जाएगा। ठीक है, नेम के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना दिया यहाँ पे और उसमें डाला क्या है, मैंने ऑब्जेक्ट डाला है। ठीक है, बट ये डीस्ट्रक्चर करके डाला है मैंने, तो नेम में मुझे मलिक मिल रहा होगा। अगर मैं क्या करूँगा, क्लास नेम को प्रिंट करवाऊँगा तो मुझे उसके अंदर साइंस मिल जाएगा। ठीक है जी, जस्ट लाइक दैट। तो ये ऑब्जेक्ट की डीस्ट्रक्चरिंग हो गई। अच्छा, इसका भी बेनिफिट क्या है, बेनिफिट वही है, अगर मैं इसको डीस्ट्रक्चरिंग से नहीं करता, अगर मैं बगैर डीस्ट्रक्चरिंग के इसको करना चाहता तो मैं क्या करता, मैं करता कि जी ये लेट नेम इक्वल्स टू OBJ.name। ठीक है, ऐसे करता मैं, और फिर अगेन आता मैं कहता कि लेट क्लास नेम इक्वल्स टू OBJ.ClassName। तो ये दो लाइन का कोड लिख के मैं सेम काम कर सकता था जो मैंने यहाँ पे एक लाइन में कर दिया। अगेन दिस इज़ अ सिंटैटिक शुगर, अंडर द हुड काम तो यही हो रहा है, लेकिन मुझे क्या मिल जाता है। अच्छा, फिर अच्छा, ये तो डीस्ट्रक्चरिंग समझ आ गई है मैं ऑब्जेक्ट की भी और एरे की भी। ये डीस्ट्रक्चरिंग हमें एरे और ऑब्जेक्ट पढ़ते हुए कवर करना था, आई एम नॉट श्योर कि अभी मुझे याद नहीं पड़ रहा, मैंने इसीलिए रिपीट कर दिया मैंने सारी बातों को ना। तो जी, आप फंक्शन के अंदर जो है पैरामीटर लेते वक्त आप डीस्ट्रक्चरिंग भी कर सकते हैं उसकी। ठीक है, ये फंक्शन का जो पैरामीटर वाला पार्ट है, अब बजाय इसमें A, B सीधा सीधा लिखने के इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद एक A रखा है उसमें, एक B रखा है, इक्वल्स टू और एक ओरिजिनल ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर जिसमें से डेटा डी स्ट्रक्चर होकर इसके अंदर आ रहा होगा। ठीक है, अगेन ज़रूरी नहीं है कि आप ये काम एज इट इज़ करें, इस तरह नहीं समझ आ रहा, सिंपल तरीके से सीधे तरीके से इसकी ज़रूरत भी बहुत बाय द वे कम ही पड़ती है। ये डी स्ट्रक्चर की ज़रूरत, अगर कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम का डेटा आ जाए सामने से, उसमें से आपको कुछ वैल्यूज़ चाहिए कुछ नहीं चाहिए, तो उस वक्त ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मज़ीद इसको स्टडी करना हो डी स्ट्रक्चरिंग के अंदर आप जाओगे और डी स्ट्रक्चरिंग को आप अलग से यहाँ पे स्टडी कर सकते हो आप। ठीक है, फंक्शन के अंदर डी स्ट्रक्चरिंग यहाँ बताया हुआ होगा इसमें। ठीक है, ये फंक्शन की डी स्ट्रक्चरिंग आ गई। हाँ ठीक है, तो ये फंक्शन के अंदर जो डी स्ट्रक्चरिंग है ये एरो फंक्शन के अंदर पॉसिबल है, ये ES5 वाले फंक्शन में पॉसिबल नहीं थी ये। तो मेरा ख्याल है इस पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया, और किसी का अगर कोई सवाल है तो वो पूछ ले, अदरवाइज़ फिर हम
ख़त्म करते हैं इस क्लास को यहीं पे। नहीं अभी टाइम तो है हमारे पास, 30 मिनट्स हैं, तो कुछ इसका हम एक्सरसाइज वगैरह देखते हैं। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन? कहाँ पे, कौन सी लाइन नंबर पे? ये 46, ये वाला। हाँ मतलब ये तीन थे और मैंने तीन अलग-अलग वेरिएबल में डाले हैं, तो आप कह रहे हो मुझे सिर्फ अगर दो चाहिए, मतलब ये वाला और ये वाला चाहिए। नहीं नहीं, तीनों एक साथ क्यों होंगे? ये ए बी और सी तीन अलग अलग वेरिएबल है। मैं अगर ए को कंसोल कराऊंगा ना तो सिर्फ ए कंसोल होगा। डबल ए क्यों लिख दिया मैंने ये? अगर मैं ए को कंसोल कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 20, क्योंकि इस ओरिजिनल एरे के अंदर पहले इंडेक्स में 20 है। ए एक अलहदा वेरिएबल है, बी एक अलहदा वेरिएबल है और सी एक अलहदा वेरिएबल है। ये इन तीनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, लेकिन ऑन अदर एंड एरे में थे तीन इंडेक्सेस, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार मुझे सिर्फ पहला वाला उठाना है, तो मैं सिर्फ ए लिखूँगा ऐसे। अभी भी ए में 20 मिलेगा मुझे, लेकिन अब बी और सी नहीं होंगे, सिर्फ ए होगा अभी। ठीक है, अगर दो में करना चाहूँ तो मैं दो कर लूँ। अच्छा, ज़रूरी नहीं है ए और बी के नाम से करूँ, किसी भी नाम से मैं कर सकता हूँ। मैंने सेट के नाम से कर लिया, ठीक है, या कोई भी वेट लिख दिया मैंने इसको यहाँ पे कि ए और वेट, तो अब वेट के नाम से बना है वेरिएबल, अब वेट करके मैं कराऊंगा उसको। ठीक है जी। अच्छा सर, हम बुक में भी एक नज़र मार लेते हैं कि हमने कोई ऐसा फंक्शन के अंदर जो कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हमने छोड़ दी। अच्छा, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल भी हम डिस्कस कर चुके हैं। लोकल वेरिएबल हम उस वेरिएबल को कहते हैं जो फंक्शन की बॉडी के अंदर बना हुआ होता है। ठीक है, फंक्शन की बॉडी के अंदर जो वेरिएबल बना हुआ होता है वो फंक्शन की बॉडी से बाहर मुझे नहीं मिलता है, क्योंकि वो फंक्शन का प्राइवेट वेरिएबल होता है। अच्छा, ये जब हम वेरिएबल की बात करें, ये हम वार वाले वेरिएबल की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये हम लेट वाले जदीद वेरिएबल की बात कर रहे हैं। शुरू में कुछ दोस्तों ने मुझसे पूछा था कि सर ये वार और लेट में डिफरेंस क्या है, तो वो ये डिफरेंस है एक्चुअली। अगर फंक्शन की बॉडी के अंदर मैं वार करके वेरिएबल बनाता हूँ ना, तो वो सम टाइम मुझे फंक्शन से बाहर भी मिल जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। ये एक प्रॉब्लम थी जावास्क्रिप्ट के अंदर जिसको ख़त्म कर दिया गया है, जिसको फिक्स कर दिया गया है, क्योंकि ये जितनी भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें ऐसा ही होता है कि फंक्शन का वेरिएबल फंक्शन का लोकल वेरिएबल होता है और प्राइवेट होता है, वो फंक्शन से बाहर नहीं मिलना चाहिए। जावास्क्रिप्ट के अंदर ये प्रॉब्लम थी कि वार करके जब वेरिएबल बनाते हैं तो वो फंक्शन से बाहर भी सम टाइम मिल जाता था। अब सवाल ये है कि वो वार को ही फिक्स कर देते, एक नया लेट कीवर्ड लाने की क्या ज़रूरत थी? ठीक है, बट उसको चेंज नहीं किया जाता, जो फीचर हो जाता है वो फीचर, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने सॉफ्टवेयर में ना उसको उस बग तो नहीं कहेंगे उसको, दैट वॉज द डिज़ाइन, उस वक्त का डिज़ाइन जो था, तो उस वक्त के डिज़ाइन को लेकर कोई लॉजिक बनाई हुई हो कि जी वार फंक्शन से बाहर मिलता है और मेरी लॉजिक इस पर डिपेंड कर रही है। अब पता चले वो उसको मैंने बंद कर दिया कि भाई अब भाई बाहर नहीं मिलेगा, तो उसका तो चलता हुआ सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। तो इस वजह से वार को चेंज नहीं किया गया, बल्कि एक नया कीवर्ड इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसके अंदर वो सेम काम करता है, वेरिएबल उससे भी बनता है, वेरिएबल इससे भी बनता है, बट इसके अंदर वो वाला प्रॉब्लम नहीं है, वो फिक्स कर दिया गया। तो हम जब भी वेरिएबल बनाएंगे हम लेट करके बनाएंगे जी। हाँ, ये अच्छा सवाल है, ये हमने शुरू में डिस्कस किया था कि ECMA स्क्रिप्ट इसका नाम रखा गया है, और ECMA के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने तमाम जो जायंट्स थे उस वक्त के उनको एक टेबल पे लेकर आए। उन्होंने कहा भाई सब अपने अपने फीचर रखो और जावास्क्रिप्ट को एक करो। ये शुरू वाला बिल्कुल जो लेक्चर था ना हमारा, इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट, उसमें ये बात डिस्कस की होगी मैंने कि जी पहले जो जावास्क्रिप्ट थी वो हर कंपनी ने अपनी अपनी बनाई हुई थी। नेटस्केप नेविगेटर की अपनी जावास्क्रिप्ट थी, मोज़िला फायरफॉक्स की अपनी जावास्क्रिप्ट थी। तो डेवलपर को क्या करना होता था कि वो जावास्क्रिप्ट जब लिखता था तो एक्चुअली वो मोज़िला फायरफॉक्स की ऐप बना रहा होता था, वो वेब एप्लीकेशन। अभी तो सीन ही है ना कि जावास्क्रिप्ट सब पे चलती है और एक जैसी चलती है,
भाई कोई वेबसाइट मैं मोज़िला पे खोल लूँ या सफारी पे खोल लूँ या क्रोम पे खोल लूँ एक जैसी खुलती है, दैट वॉज़ नॉट द केस। अब मिसाल के तौर पे मोज़िला वालों ने क्या किया कि ये कीवर्ड निकाला ख़ास, उन्होंने बोला ये कीवर्ड लिखने से क्या होगा, वो जगमग तारा कुछ बनेगा, लेकिन वो बनेगा सिर्फ मोज़िला फायरफॉक्स पे क्योंकि वो कीवर्ड उनके पास है, दूसरी जगह पे वो देगा एरर कि जी ये कीवर्ड तो है ही नहीं। तो वो इफ एल्स लगा के, वो टेप वेप लगा के कि जी ये जब सिर्फ मोज़िला फायरफॉक्स पे हो तो ये चीज़ काम करे, अदरवाइज़ ये काम। तो डेवलपर के लिए एक बहुत बड़ा इशू था ये कि डेवलपर को ना, और फिर कंपनीज़ के लिए भी इशू था। अब कंपनीज़ अगर डेवलपर को कहती हैं कि जी ये फ़ीचर इम्प्लीमेंट करो, अब वो सिर्फ फायरफॉक्स के अंदर वो इशू है, दूसरे में है नहीं, तो वो करेंगे क्या फिर? तो फिर क्या करना था, डेवलपर को डबल ट्रिपल पैसे देने पड़ते थे कि जी आपने ना फायरफॉक्स की भी सपोर्ट देनी है और आपने जो है वो नेटस्केप नेविगेटर की भी सपोर्ट देनी है, आपने गूगल क्रोम की भी सपोर्ट देनी है। तो वो जो है ना तीन चार डेवलपर का काम ज़ाहिर है बढ़ जाता था, तो पैसे ज़्यादा देने पड़ते थे। तो ये सब लोगों के लिए प्रॉब्लम था ये। तो इन्होंने कहा अच्छा जी यार एक इकट्ठे हो जाओ, ये बड़ा पोटेंशियल है इसके अंदर, और आप लोगों जो जो अच्छे अच्छे फीचर हैं वो आप एक सामने रखो, एक कमेटी बैठेगी, एक्मा नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कहा कि जी ये फ़ीचर अच्छा है ये फ़ीचर है, उस पर डिबेट की उन्होंने। अभी ES7 ES8 तक का प्रपोज़ल जो है वो मौजूद है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं आएगा, हर साल इनकी कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें नए फीचर डिस्कस होते हैं कि क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए। हाँ अदरवाइज नहीं लगाना। ठीक है जी, तो हम क्या देख रहे थे, फंक्शन देख लिया हमने, पासिंग द पैरामीटर, और उसके बाद है पासिंग द डेटा बैक यानी कि रिटर्न, लोकल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल, क्या चीज एलिमिनेशन क्या होता है, एनिमेशन नहीं, वो एनिमेशन जो है ना असल में देखो ये ना हम अभी पढ़ रहे हैं जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग, एनिमेशन जो है वो प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं है, एनिमेशन जो है ना वो प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं है। वो तो वंस आप प्रोग्रामिंग सीख जाओगे तो फिर आप उससे एनिमेशन भी बना सकते हो, आप जो क्लिक करने पे कोई ऐसे जगमग तारा हो जाए कुछ इस तरह की चीज़ें, बट ये दिस इज़ नॉट द फंडामेंटल, दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ फंडामेंटल, ये बुनियादी चीज़ नहीं है। तुम इसको ऐसे इमेजिन करो कि एक घर बन रहा है, तो उस घर के अंदर जो बुनियादी चीज़ें हैं ना वो पिलर है, उसके दरवाजे हैं, उसकी दीवारें हैं, ठीक है, बट अंदर जो ये फॉल सीलिंग हुई हुई है ना, दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ फंडामेंटल। ये बना सकता है, मतलब किसी बंदे को अगर घर बनाना आता है तो वो ये भी बना सकता होगा, लेकिन ये फंडामेंटल नहीं है। अच्छा तुम्हें शायद मे बी बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा हो, एनिमेशन बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा हो तुम्हें, क्योंकि वो ज़्यादातर फ्रंट एंड पे दिख रहा वही होता है। हाँ दिख रहा वही होता है, ठीक है। अच्छा तो फिर ये एनिमेशन फिर किसका पार्ट है, जब फंडामेंटल का नहीं पार्ट है तो किसका पार्ट है? ये CSS का पार्ट है ना, हमने CSS की स्टाइलिंग जब पढ़ी थी तो थोड़ा सा हमने 2D एनिमेशन डिस्कस किया था शायद। तो आप गूगल पे जाके लिखेंगे CSS3 एनिमेशंस, तो एनिमेशन जो बेसिक जितनी भी एनिमेशन है ना, क्या करना है इस्तेमाल करना है, क्या है इसमें करना है, क्या सर करना है, ये जब ही करेगा ना, हाँ तो इफ एस करके जो है ना सर यहाँ मुझे बुरा लगा, वो एक एक करके ऐसे आगे बढ़े ना वो। हाँ तो वो देखो अब ये आई एम नॉट श्योर कि ये अभी तुमने क्या अप्रोच की है और वो कैसे करके होगा। बैठ जाओ समझ गया मैं। तो अच्छा वो अभी बगैर एनिमेशन के कैसे आगे जाता है? नहीं वो तो गेम इटसेल्फ अभी तो पूरा बाकी है ना, मतलब तुम्हारा तो वो इन्होंने दोस्त ने जो है ना वो लूडो वाला जो गेम होता है ना उसकी स्क्रीन तैयार की है, और ये कह रहे हैं कि उसमें जो जब गोटी मैंने आगे बढ़ानी है तो वो गोटी आगे बढ़े ना तो एनिमेट होके बढ़े, ऐसे सीधी जाए फिर ऐसे जाएगी,
तो सी एस एस के अंदर ना ये सारी एनिमेशन मौजूद हैं, तो आई होप के वो सी एस एस की जो बिल्ट इन एनिमेशन हैं उससे ये काम आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, इफ एल्स लगेगा इसके अंदर, इसके अंदर इफ एल्स भी लगेगा, इसमें फॉर लूप का भी इस्तेमाल होगा मोस्ट प्रॉब्ली, तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें होंगी। पहले बग़ैर एनिमेशन के ना पहले ज़रा गेम पे फोकस कर लो कि वो गेम कैसे चल रहा होगा, गेम की लॉजिक सही है। वंस वो गेम अच्छा, ये जो सी एस एस थ्री की जो एनिमेशन है ना, यहाँ पे ना देखो सारी एनिमेशन डिस्कस हुई भी है। अब ये देख रहे हो कि 0 सेकंड से लेके 1 सेकंड तक ना ये इस तरफ मूव करेगा, कुछ इस तरह की चीज़ है ये। अब इसका इन्होंने प्रीव्यू यहाँ पे नहीं दिखाया हुआ है। वेल तो उसको इमेजिन कर लो कि एक सर्कल है, एक सर्कल में से वो साइड से वो ऐसे पर्पल सा बड़ा होगा और वो फिर वापस छोटा होगा, तो ये 1 सेकंड की एनिमेशन है और इसका जो कोड है ना वो ये है। सही है, तो ये की फ्रेम करके इसके अंदर एक चीज़ होती है और इसके ज़रिए सारे एनिमेशन होती हैं। बट तुम्हारे केस में क्या होगा, ये की फ्रेम के ज़रिए नहीं होगा, ये सी एस एस तुम जावास्क्रिप्ट के थ्रू ऐड करोगे उसमें, ठीक है। सही है, अच्छा ये आ गया ना, प्रीव्यू आ गया इसका, ये देख रहे हो हल्का सा ये वो। हाँ अच्छा, ये इधर से उधर मूव होने वाली एनिमेशन भी आ गई। नहीं, मेरे कहने का मकसद ये है, मेरा पॉइंट ये है कि तुम्हें एनिमेशन को अगर समझना है ना, तो ये जो सारे यहाँ पे बने हुए हैं ना, ये एक्सरसाइजेज इनकी सारी, इन तमाम एक्सरसाइजेस को तो पहले देख लो ना तुम, जो एनिमेशन की जो एक्सरसाइजेस यहाँ पे बनी हुई है ना वो उनको ज़रा तुम देख लो पहले। W3 स्कूल पे भी एनिमेशन की काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की हुई है उन्होंने। हाँ तो जो एनिमेशन को पहले अच्छी तरह तुम देख लो कि एनिमेशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, समझ रहे हो। देखो कोई भी, जब आप हम प्रोग्रामिंग जब शुरू में हम स्टार्ट की थी उस वक्त मैंने एक जिक्र किया था कि हम प्रोग्रामिंग में जो पढ़ रहे हैं ना, फंडामेंटल प्रोग्रामिंग में हम क्या पढ़ रहे हैं कि अवेलेबल टूल कौन कौन से हैं। वंस यू नो कि अवेलेबल टूल कौन कौन से हैं तो फिर यू कैन फिगर आउट कि अच्छा जी ये काम करना है मुझे तो इसमें कौन सा टूल लगाऊंगा तो काम हो जाएगा। कारपेंटर की मैं एग्जांपल देता हूं हमेशा कि जी अगर लकड़ी को, दो लकड़ियों को जोड़ना है अगर, तो उसके लिए कौन सा टूल इस्तेमाल होगा। कील से भी जोड़ा जा सकता है, गिलू से भी जोड़ा जा सकता है ना, और दो लकड़ियों को वो ऐसा आपस में वो कटिंग शेप होती है उससे भी जोड़ देते हैं कि जी सुराख करके ऐसे डाला अंदर और बीच में कील की तरह एक लकड़ी को ही घुसा दिया। टेबल्स वगैरह ज़्यादातर उसी तरह बनी होती हैं, उसमें कील का इस्तेमाल नहीं होता। तो अब कहाँ पर मैंने कील से जोड़ना है, कहाँ पर मैंने ग्लू से जोड़ना है, तो ये तो सारी पॉसिबल टूल्स पता होने चाहिए मुझे कि क्या क्या है मेरे पास, कब कौन सा टूल कहाँ यूज़ होगा वो पता होना चाहिए। अब मुझे नहीं पता कौन सी लकड़ी को ग्लू से जोड़ना चाहिए या कौन से को कील से जोड़ना चाहिए, वो तो कारपेंटर को पता होगा, जाहिर है एक्सपीरियंस से पता होगा कि अच्छा जी किसी टेबल पे अगर हैवी लोड डलना है उस टेबल के ऊपर तो शायद वहाँ पे जो है वो ग्लू फेल हो जाए मे बी, या शायद वहाँ पे कील से जोड़ना वाला फेल हो जाए मे बी, वो एक्सपीरियंस उसको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे काम करती है, कहाँ पे फेल हो जाती है। तो आपको ना वंस कोई भी चीज़, आप किसी भी चीज़ में हाथ डाल रहे हैं, चाहे कोई बिजनेस हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, तो उस बिज़नेस के जो तमाम अवेलेबल टूल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। जब आपको वो पता होंगे जब ही आप चीज़ों को फिगर आउट कर पाएंगे, अभी तुम्हें एनिमेशन के सारे टूल्स नहीं पता, ठीक है, तो पहले उसको स्टडी करोगे तुम, ठीक है जी। तो ये मैं क्लास का कोड पुश कर देता हूँ।
और अगला काम हम ये करते हैं कि जी चैट जीपीटी से ज़रा एक टास्क निकालते हैं आपके लिए। हाँ बोलो। ग्लोबल वेरिएबल में और लोकल वेरिएबल में कौन सा वाला बेटर है? लोकल वेरिएबल बेटर है ना। फंक्शन आप अगर बना रहे हैं तो फंक्शन के अंदर आपने लोकल वेरिएबल बनाना है, ग्लोबल नहीं बनाना। हाँ अरे चल जा भाई, ये तो बहुत। अच्छा भाई अब इसके ना प्रॉम्प्ट, सारी गेम यहाँ पे है प्रॉम्प्ट की चैट जीपीटी में ना। इसको पहले कॉन्टेक्स्ट देना पड़ता है, सही है। आई एम लर्निंग ES6, ठीक है, एंड आई जस्ट हैव कंप्लीटेड फंक्शंस चैप्टर, ठीक है। जावास्क्रिप्ट सीख रहा हूँ मैं ES6, और फंक्शन का चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया। प्लीज गिव मी 10 फंक्शन, 10 एक्सरसाइजेस एक्चुअली। अबे क्या कर दिया मैंने, स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी क्या? EXCERCISE 10 exercises to practice functions, ठीक है। 10 हिस्से में एक्सरसाइज मंगवा लेता हूँ। राइट अ फंक्शन दैट टेक्स एन एरे ऑफ नंबर्स एंड रिटर्न द सम ऑफ ऑल नंबर्स। ये तो बहुत बेसिक दे दिया इसने। राइट अ फंक्शन दैट टेक्स एरे स्ट्रिंग एंड रिटर्न द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग इन द एरे। नहीं यार ये इसको प्रॉम चेंज करते हैं हम, क्या इसको इंटरमीडिएट लेवल का दो। गिव मी 10 इंटरमीडिएट लेवल एक्सरसाइजेस। अभी क्या स्पेलिंग में मिस्टेक है इसके भाई? अच्छा मुझे एक चीज़ और भी इससे एक्सपेक्टेड है कि उसमें स्क्रीन पे इनपुट और आउटपुट हो। एक्सरसाइज मस्ट हैव टू हैव अच्छा जी अब इसने मेरे ख्याल है काफ़ी सही एक्सरसाइज बनाई है, देख लेते हैं जी। टेक अ नंबर फ्रॉम द इनपुट एलिमेंट, डिस्प्ले द फैक्टोरियल। फैक्टोरियल सब लोगों को पता है, फैक्टोरियल एक मैथ होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड की तरह। फैक्टोरियल को निकालने के लिए आपको रिकर्सिव फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। रिकर्सिव फंक्शन कॉल हमने जो पढ़ा था ना लास्ट, कि जी फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल कर रहे थे हम, तो फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए रिकर्सिव फंक्शन को इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अच्छा राइट अ फंक्शन दैट टेक्स द स्ट्रिंग फ्रॉम एन इनपुट, डिस्प्ले द सेम स्ट्रिंग विद द ऑल द वॉवल्स रिमूव, ठीक है जी। ये हो गया, एक स्ट्रिंग लेना है, स्क्रीन पे इनपुट लोगे आप। ये तमाम एक्सरसाइज स्क्रीन पे इनपुट चाहिए, स्क्रीन पे आउटपुट। आप एक ही वेब पेज पे बना दो या अलग अलग वेब पेजेस पे बनाओ, आप पे डिपेंड करता है।
वही स्ट्रिंग डिस्प्ले होगी रिटर्न, लेकिन उसमें से वॉवेल गायब हो चुका होगा। नंबर तीन, राइट अ फंक्शन दैट टेक्स टू नंबर फ्रॉम इनपुट एलिमेंट एंड डिस्प्ले द सम ऑफ दोज टू नंबर्स इन द आउटपुट। अच्छा, ये तो बहुत ईजी है, नंबर थ्री को ड्रॉप कर देते हैं। राइट अ फंक्शन दैट टेक्स एन एरे ऑफ नंबर्स एंड फ्रॉम एन इनपुट एंड डिस्प्ले द लार्जेस्ट नंबर ऑफ देम। अच्छा चलो, इसको रहने देते हैं, नंबर थ्री को हमने ड्रॉप किया ना, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं हाथ के अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ लाके। ठीक है जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जी असाइनमेंट। ठीक है जी, असाइनमेंट करके मैं यहाँ पे ना ये सारे उठा के ले आता हूँ, और जी दोस्त ये तो नहीं पता मुझे कब होगा, अनाउंस कर देंगे ना ये, वो जब भी होगा अनाउंसमेंट हो जाएगी। अच्छा, नंबर थ्री को मैंने इसमें से ड्रॉप कर दिया था। राइट अ फंक्शन दैट टेक्स एन एरे ऑफ नंबर फ्रॉम एन इनपुट एलिमेंट एंड डिस्प्ले द लार्जेस्ट नंबर ऑफ देम। ठीक है, ये रहने देते हैं। राइट अ फंक्शन दैट टेक्स द स्ट्रिंग फ्रॉम एन इनपुट एंड डिस्प्ले द सेम स्ट्रिंग विद द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड कैपिटलाइज्ड। वेल डन, बहुत अच्छा टास्क बनाया इसने। बच्चों क्या बातें हो रही हैं, इधर देख लो ज़रा गौर से, फिर ये ना बोलना कि ये टास्क सर समझ में नहीं आया, ये नहीं बोले कोई फिर मुझसे। राइट अ फंक्शन दैट टेक्स एन एरे ऑफ नंबर्स फ्रॉम एन इनपुट एलिमेंट एंड डिस्प्ले द एवरेज ऑफ दोस नंबर्स। ठीक है जी, ये फंक्शन से ही बनेगा ज़ाहिर है, एवरेज वाला काम। राइट अ फंक्शन दैट टेक्स द स्ट्रिंग फ्रॉम एन एलिमेंट एंड डिस्प्ले ट्रू इफ स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। ठीक है, पैलिंड्रोम पता है किसी को क्या होता है? सुना सुना लग रहा है लेकिन भूल गया हूँ कि क्या होता है, पूछते हैं इससे। व्हाट इज पैलिंड्रोम, डेफिनेशन बताएगा ना ये? सुना सुना तो लग रहा है, अ वर्ड नंबर फ्रेज और सीक्वेंस रीड। अच्छा, अगर सीधा पढ़ें तो भी वही हो, बैकवर्ड पढ़ें तो भी वही हो। जैसे कि कौन सा वर्ड होता है ऐसा, एग्जाम्पल भी पूछ लेते हैं ना इससे। लेवल है जैसे, ठीक है, एल ई वी ई एल, इसको लास्ट से पढ़ोगे तो भी लेवल है, शुरू से पढ़ोगे तो भी लेवल है। ठीक है, और इसने एक दो एग्जाम्पल और भी बताई हैं। मैडम, एम ए डी ए एम, लास्ट से पढ़ोगे तो भी मैडम ही रहेगा। ठीक है, तो ये वो वाला, अगर उस तरह का हो ना तो ट्रू बता दे कि जी ये दिस वर्ड इज़ पैलिंड्रोम, और अगर नहीं हो तो बोल दे कि भाई नहीं, डोंट, दिस वर्ड इज़ नॉट पैलिंड्रोम। अच्छा, takes an array of a string from input element and display a new array with all the strings sorted in alphabetic order. ठीक है जी, चार पांच नाम आप एंटर करोगे और वो उसको एरे की फॉर्म में इनपुट लोगे आप, और उसको वो सॉर्ट करके जो है ना अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में डिस्प्ले करा दे। हाँ, फंक्शन से हो जाता है ना सॉर्ट, फॉर लूप से होगा एक्चुअली सॉर्ट। डिडिंग डिडिंग, टेक नंबर फ्रॉम इनपुट एलिमेंट एंड डिस्प्ले ट्रू इफ द नंबर इज प्राइम नंबर, फॉल्स इफ नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, सिंपल है, ये भी सिंपल ही है ज़्यादातर टास्क। टेक्स एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन इनपुट एलिमेंट एंड डिस्प्ले न्यू एरे विथ ऑल ऑब्जेक्ट्स सॉर्टेड इन गिवन प्रॉपर्टी आउटपुट एलिमेंट। सही है जी, एक ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आप इनपुट लोगे और ऑब्जेक्ट्स को आपने सॉर्ट करना है गिवन प्रॉपर्टी के हिसाब से। ठीक है, जो भी बताया बंदा, a new array with all objects sorted by a given property in an output element. एक प्रॉपर्टी भी बंदा बताएगा और उस प्रॉपर्टी के हिसाब से वो सॉर्ट हो जाए। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैंने चार एरे ऑफ ऑब्जेक्ट लिया, चार, तो चार ऑब्जेक्ट में मतलब सब में नेम है, तो मैं बोलूँगा नेम से सॉर्ट करो, तो वो जिसमें ए से नाम होगा वो सबसे पहले आ जाए वो ऑब्जेक्ट, फिर बी से नाम होगा, या मैं कह सकता हूँ कि यार रोल नंबर से सॉर्ट करो, तो रोल नंबर से मैं सॉर्ट करने बोलूँगा तो रोल नंबर में जिसका वन है रोल नंबर वो ऊपर आ जाए, इसका टू है वो नीचे आ जाए, ऐसे वाला है। तो मैं इसमें दो इनपुट होंगे एक्चुअली, इस वाले में दो इनपुट होंगे, एक तो क्या होगा कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का इनपुट होगा फॉर्म में, समहाउ आपने तीन या चार आपने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट लेने हैं और उसके बाद आपने बताना है कि किस से सॉर्ट करना है,
जिससे सॉर्ट करने का बोला जाए उससे सॉर्ट हो गया वो सामने है। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गए कुछ, कितने टास्क आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, एक को तो मैंने ड्रॉप कर दिया था, तो टोटल 9 यहाँ पे टास्क मौजूद हैं जो आपने करने। सारे टास्क बहुत ही सिंपल हैं, आपने इनपुट और आउटपुट लेना पहले से सीखा हुआ है। फॉर लूप वगैरह का, शायद सॉर्टिंग में फॉर लूप का इस्तेमाल होगा, वो आप लोगों को आता है। ठीक है, फंक्शन हमने अच्छी तरह डिटेल में पढ़ लिया है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे, अब नेक्स्ट क्लास हमारी कब होगी? अच्छा मंडे को, आई एम नॉट श्योर कि मंडे को क्लास होगी या नहीं, क्योंकि मंडे को हॉलीडे है, शायद क्लास ना हो। ठीक है, मंडे को होती है ना नेक्स्ट क्लास, तो मंडे वाली क्लास आई एम नॉट श्योर कि वो होगी या नहीं होगी, अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो होपफुली अब आप कब आएंगे, वेनसडे को आएंगे। ठीक है, तो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, 4 दिन आपके पास हैं, ये टास्क सारे 4 दिन में हो जाने चाहिए। ठीक है, बाकी ये कि मंडे वाली क्लास होगी या नहीं होगी फर्स्ट मई की वजह से, वो अनाउंसमेंट पे आप बेस करेंगे, अभी तक मुझे नहीं पता कि इनका क्या डिसीजन है। ठीक है, वो ग्रुप में आपको अनाउंसमेंट आ जाएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर जी अगली क्लास में, बाय।